Are you you guys dating? Okay. Did you ever have a crush on करें शुरू।, सारे हैं। सारे हैं। हाँ। शुरू करें हाँ। चलो करो शुरू आज सुंदर आज मैंने तुझे फुल अपॉर्चुनिटी तू आज कर जानी तू कर जानी मैं कहता हूँ मुझे फिर ऐसे फील नहीं आएगी कि जीत गई टाइप ना ऐसे होगा अच्छा चल चल टाइप तुझे पता ना इसको कहते हैं जीत देना किसी को मुझे नहीं चाहिए ऐसे हम में जब चाहिए। हार रहे होते थे ना मनोपली के अंदर तो कहते थे यार तुमने जीत दी अक्सर ये होता था, था, था कि क्रिकेट क्रिकेट भी जब खेल रहे होते अपनी बैटिंग करके तुझे जीत दी जानी कर शुरू कर नहीं ऐसे नहीं तू करम शावी दिस इज आवर को हो वेरी ब्यूटीफुल बाय द वे एंड वी है यंग हॉट एंड हैपनिंग इंडिविजुअल शहर और साथ उसका बॉडी गार्ड दैट मैटर की बात है टू ब्यूटीफुल की बोले टू ब्यूटिफुलर के लिए थे

एक सेकंड नहीं गालियां से नहीं गालियां नहीं।, गालिया नहीं नहीं, <laughs> नहीं किसी ने हाशिर को गालियां दी फैम्ली, फैम्ली। फैम्ली। प्लीज प्लीज क्या बहन क्या नहीं नहीं ये नहीं लिखना ना ना सर मैडम आई जस्ट सेड द माइक इज गोना गेट क्लोजर टू योर माउथ अ लिटिल बिट थोड़ा सा हां ये चीज जबरदस्त सर कैसी हैं आप मैं ठीक हूं आप कैसे हैं इतने दिनों से हम आपको बुला रहे हैं आप ला मॉम टाइमली नहीं काम <निकालती। laughs> हम लोग आके बैठ जाते तैयार हो के शावीर कहता घर जाओ उसका तो लिटरली हो चुका ना ऐसे हाँ। हम लोग यूं करके बैठे हुए थे पॉडकास्ट का वेट हो अब आएंगे अब आएंगे <laughs> कैंसिल शावीर ने कहा कि बेटा घर जाओ चलो कहता मैं छोड़ के आता तुम्हें चल निकलती बन फिर मुझे <laughs> निकलना पड़ा <laughs> फिर एक दफा बुलाया मैं नहीं नहीं कुछ भी बोलते कल जो मैं तुमसे बस सिर्फ ये पूछना चाह रही मैंने तुम्हें कल एक पिक्चर भेजी थी तुमने रिप्लाई क्यों नहीं किया मुझे उसका किया ना मैंने कल तुम्हें छह तस्वीरें भेजी थी टैग लाइंस के साथ 1 2 3 4 5 6 तुमने मुझे रिप्लाई नहीं क्या किया देखे कि बसनल 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 कि नहीं है देखिए अब मैं सीधे से पूछूं कि इसने मुझे रिप्लाई क्यों नहीं किया है ये से सुंदरस कौन सी पिक्चर्स मुझे पता है लेकिन कौन से <laughs>

शाहिबे को आके ना पम्प कर देती हूँ हाशन नहीं <laughs> डांटते हैं है और लगता यार मैंने, मैंने तुम्हें, तुम्हें कब डांटा जिंदगी में इसके पम्प करने पर

<laughs> इसके साथ मुझे डेढ़ साल हो गया दोस्ती हुए उम्र ने मेरी दोस्ती करवाई थी इससे हाशर से उमर स्टार ने हम एक इवेंट पे मिले थे ये और पीके। तो मेरी इसके साथ अंडरस्टैंडिंग इसलिए होगी क्योंकि ये थोड़ा सा पागल है मेरे जैसा मतलब बच्चों वाली हरकतें करता है ओह अच्छा तो आप भी थोड़ी थोड़ी इतनी नहीं ठीक <laughs> है तो इसमें क्या आपने इसने क्या हुआ था उस दिन शॉर्ट्स <laughs> देखा लड़कियां सब नोटिस करती हैं लड़कियां सब नोटिस करती हैं अच्छा। जब मैं और आयशा पहली दफा मिले थे ना मैं ये नहीं कह रहा कि मैं और आयशा और तो हाशिर और शहर मैं इस तरह नहीं कह रहा मैं ऐसे कह रहा हूँ लड़कियां सब नोटिस करती हैं है। ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कह रहा है फिर मैं क्या ये रहा था कि आ, वन आयशा स्वामी वन आयशा नाइम एट फॉर द फर्स्ट टाइम हम लोग मॉल में मिले थे और जब मैंने उसको पहली दफा देखा अभी रिसेंट हमारी डिस्कशन हो रही थी मैंने पूछा कि

डॉक्टर साहब आपको पता है शायद शुरू से मैं शॉर्ट्स पहनता हूँ क्योंकि गर्मियों पैंट या ट्राउजर नहीं पहना जाता ज़्यादा इसलिए मैं हमेशा से शॉर्ट्स हूं हूँ जब यहाँ भी रहता था तब भी शॉर्ट्स ही पहनता था वैसे वो तो ठीक है लेकिन जब किसी के घर जाते हैं मेहमान बन के या तो, तो तुम कौन ना तुम मेहमान नहीं हां तो मैं दोस्त है मेरी मेहमान कभी भी ऐसा नहीं होता भाई पाकिस्तान का प्रोसीजर नहीं पता हमको यकीन ये कि ये मेरे घर की बिल्कुल पिछली गली में रहती है तो मैं... अच्छा ये एक्सक्यूज है अच्छा मेरे सामने वाली खिड़की में नहीं पीछे वाली खिड़की में अच्छा मेरे पीछे आ, वाली खिड़की में रहती है तो जब भी मैं बोर हो रहा था मैं इसके पास चला जाता नहीं तुमने तो जाता तुम छत पे जाके पहले मतलब ही थोड़ा तो मैं बताता हूं आप असली स्टोरी क्या इसने जो वहां पे घर खरीदा है समझ लो इसने वहां <laughs> <रिसर्च> भी <laughs> थी नहीं, मैं तो दो साल से एक महीना नहीं पता था की दोस्ती है तो तुमने कभी पूछा होगा की आप कहाँ से आती है ये पता है फेज नाइन में रहती है मुझे ये नहीं पता की कितनी दूर रहती है हाश मेरी बात ब्लॉक ब्लॉक नंबर

मूव होने लगा था वहाँ पे उस एरिया में जब ये नया घर खरीद रहा था ले रहा था तो इसने मुझे आगे कहा कि शाहिर भाई वहाँ पे ना ये इस तरह इस तरह रिसर्च कर लिए मैंने शहर यहीं पे रहती है तो मैं यहीं पे मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे ना कहीं पे मिल जाए फिर इसने वहाँ देखना शुरू किया इसको फाइनली जब वहाँ पर घर मिला तो इसने मुझे कहा कि मैं उसको मिलूँ कैसे मैंने कहा यार तुम एक काम करो पहले तो छत पर जाके अपनी देखो छत पर जाता है ना आपने बहुत ज़्यादा ये तो पता होगा आपको या नहीं पता अच्छा आपको क्यों पता होगा क्यों आप थोड़ी छत लोगों की देखती हैं है अजीब लगता है ना कि लड़कियां छत देख रही हैं तो मैं बताता हूँ ये छत पे जाता था ये पहले यूं करके देखता था कि किस डायरेक्शन में जब डायरेक्शन फाइनलाइज किया तो फिर ये वहाँ वॉक करना शुरू हुआ कहता <laughs> मैं आपको आपको पूरा प्लान बता रहा हूँ जो था ठीक है अभी ऑकवर्ड हो रहा है अभी ये कुछ नहीं बोलेगा क्या झूठ बोल रहे हैं ओ कितना फनी हो होने की कोशिश कर रहे हैं कितना फनी होने की कोशिश कर रहे हैं शहर जहां पे रहती है तूने जान बुझ के उस एरिया में घर लिया क्योंकि मैं बताता हूँ मुझे शुरू में कहा बताओ देखो हेलो हेलो उधर आपने क्लेरिफाई उधर करना है इधर मुझे शुरू में कसम से पता था कि ये रहती है इधर फेज नाइन में ही रहती है लेकिन मुझे प्रॉमिस नहीं पता था और जब मैं शिफ्ट होने के कोई तीन महीने बाद मिला वैसे भी मैंने ये वाला मुझे पता ही नहीं था सहर कहां रहती है। अब ये कह रहा है मुझे ये पता था कि वो फेज में रहती है। हाँ तो मुझे ये पता था फेज नाइन में रहती है ये नहीं पता किस जगह पे रहती है फेज नाइन में फेज नाइन में तुम सबको बता दो फेज नाइन में अभी आपका माइक जो है ना वो बेचारा कनी खा गया अच्छा अच्छा हाँ तो ये आ, मैं जब यहाँ पे आया उसके बाद मुगीश जो है वो मेरे साथ आ, उसने घर ढूंढा था और उसे आ, गए हुए और शहर से तो लेटली मैं कोई महीना पहले मिला हूँ हम लिटरली महीना हुआ है, हमें वैसे मिलते हुए और आ, खा, खाली व्लॉग्स वगैरह करते या फिर शुक्र लगाते रहते क्योंकि मैं बोर हो रहा था मेरे पास कोई होता नहीं है तो लाइक मैं अकेला घर में रहता हूँ मुगे भी चला गया लंडन तो इस वजह से मैं क्या नाम हमने इतनी तो हमें ये सवाल तो था ही नहीं यानी कि चलो ठीक है चलो सही है इट्स तो ओके तो तुम देखो जब बंदा पकड़ा जाता है ना तो फिर वो डिफेंस में अजीब अजीब चीजें बोलना शुरू हो जाता है तो मुझे लगता है तुम वो कर रहे हो हां जी फिर तो अब क्या सीन है मतलब काम शाम का काम कैसा जा रहा है फिर यार पार्टनर कितनी गलत बात है तुम तो हैं डबल मीनिंग सवाल पूछ रहे हो और बेचारों से सीधा सीधा सवाल पूछो आर यू गाइस इन अ रिलेशनशिप नो नेवर अल्लाह माफ करे कभी भी नहीं पागल है तू तो घूम घुमा के सवाल पूछ रही है शायद तुझे क्यों शर्म आ रही है तू पागल है अच्छा अच्छा एंड दिस नहीं वैसे ऑन सीरियस नोट लाइक ये हमारे साथ गलत हुआ हर्षित तूने तो ये वन साइडेड रिलेशनशिप ये भी हर्षित ये भी यार अभी पहली वाली से निकलू तो अगला रिलेशन करू ना अभी तुम पिछले पॉडकास्ट में क्या नहीं बताया कि वो तेरी एक्स है कौन जो पहली वाली से निकलू तो क्या उसे, मतलब उसे पता है मेरी एक्स मैं समझे कुछ है खाने को अच्छा खैर सीन ये है कि अल्लाह की कसम वी आर जस्ट 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 फ्रेंड और कुछ भी नहीं है और अच्छे दोस्त है कभी सीन में तो कभी आ ही नहीं सकते हम कभी भी नहीं आ सकते इसे ही पता है क्योंकि हमारी दोस्ती ऐसी हमारे गेस्ट के लिए जो खाना आता है ना पहली नजर हमारी उस पर वो दोनों पी के आए हैं यार ऐसे कुछ पानी पकड़ लो हाथ में ऐसे लोगों को लगेगा हमने <laughs> दिया नहीं ये छोटी अच्छा डाइट तुझे वो मंगवा के जो तू पीता क्या <laughs> यार एक <laughs> और ऑरेंज जूस लिया हाँ, क्या हुआ ऑरेंज हाँ, <laughs> मैंगो तो तो है मैंगो भी नहीं हो जाता है यार तुरा पता ना जब भी तू तू कहीं पकड़ा जाता है तो तू बहुत ज्यादा ओवरली सेंसिटिव एंड डिफेंसिव हो जाता है व्हिच इज नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर बट hmm. यू आर नॉट ह्यूमन

टिकटॉक कैसा जा रहा है अच्छा जा रहा है है आप आप हमें एक एक बात बताएं कि लोगों की जो परसेप्शन बनाई थी मेरे दिमाग दिमाग में में और ने वो वो इतनी झूठ तो वो कैसे है? या नहीं, कि आपने इसको कोई थे जो वो <laughs> नहीं मैंने तो कभी कोई सिग्नल नहीं दिए इसको अच्छा मुझे इस इसने इसने लेकिन हमें सिग्नल दी है इतनी मुझे फहमी यकीन मान तुझे ही कोई हो ही नहीं सकता कभी ये तो तुम अब उसके सामने कह रहे हो लेकिन तुम यहाँ से जब भी जाते हो कि मैं

नाश्ते में पराठा खाया लेकिन डाइट तो नहीं 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 अच्छा तुम लोग अब इतनी -डीप बातें कर रहे हो कि वो चटिया की फिर कह रहे हो कि हम में नहीं है चलो ये तो हाशि ने हमारे साथ मजाक किया तो हमने आपके साथ आगे मजाक कर दिया मुझे नहीं पता था साइड रिलेशनशिप था जिसमें हाशिशन कभी हो ही सकता एक सेकंड में मैं कभी रिलेशन में crush. नहीं आ सकता नहीं क्रश मेरा एक ही थी जो मेरी एक्स थी ठीक है उसके अलावा Would... एक सेकंड डिड यू एवर हैव अ क्रश ऑन सहर नो डोंट लाई अल्लाह की कसम <laughs> मुझे सिर्फ एक पे दो पे क्रश है बेसिकली मा एक मायरा खान और एक एक्स थी मेरी वो मैं एक क्रश थी फिर बाद में रिलेशन में आ गई दो क्रश मैं दोबारा पूछता हूं डिड यू एवर हैव अ क्रश ऑन शहर नहीं

अक्सर लोगों की शादियां ऐसे लोगों से भी हो जाती है जिनको पसंद ही नहीं जी बिल्कुल रियली really? ऐसे किसी को जानती हो <laughs> बहुत को जानती हूँ लाइक यंग अभी की <laughs> जनरेशन फ्रेंड्स आर मैरिड टू पीपल डोंट लाइक

तुम्हारे गुनाह ऐसे हैं कि नहीं। फायदा नहीं होगा यार नहीं, मैं उस सेंस में नहीं कहता जिस सेंस में आ, लड़के कहते हैं बाकी किसान समझाऊं मतलब मैं प्यार वाली सेंस में नहीं कहता मैं वैसे यार कहता और एक गंदी बात है मुझे अच्छी लग रही है प्यारी लग रही है ये कहता हुआ नहीं ये क्या तुम तो मतलब प्यार नहीं लग आप रही आपसे है प्यार नहीं करता लेकिन आप लेक, हैं बहुत लाइक ले, जो खूबसूरत है उसकी तारीफ तो करनी चाहिए आप, ना अल्लाह मियां ने आपको कितनी नजाकत से बनाया वक्त निकाल के आई डोंट लव यू एंड आई वोंट मैरी यू मुझे गलत मत समझ लेना आई लव यू एज अ फ्रेंड आई लव यू आई लव यू तो है ही नहीं ना कहता है ये आपको इस तरह

जब इसका दिल करता है मैं तो एक दफा आवाज़ मारता है मैं इससे मिलने आ जाती हूँ मैं अपने सारे दोस्तों के तरह इस, तो इसी तरह हूं। इसके बड़े मूड स्विंग आज मेरा मूड रहा है आज मेरा मूड रहा है इसके मूड पर चलना पड़ता है मैं लड़का हूँ ये लड़की है हमारी दोस्ती में ऐसा नहीं होना चाहिए अच्छा यार सुंदर यार <laughs> प्लीज स्टॉप प्लीज अच्छा वेज जान अगर तो चाहिए होगा ना तुम बता दें तुम्हें फ्राइज ला दूंगा चाहिए फ्राइज मंगवा दूँ वो एक्चुअली हाशिर वो इलियास कह रहा था कि आलू है फ्राइस? नहीं तो मैंने कहा ये बना के लिया ठीक है अच्छा हां सॉरी यार हम लोग इससे पहले क्या बात कर रहे थे मेरे बिल्कुल दिमाग से निकल गई है mm. uh, अभी नहीं नहीं परसों की बात है <laughs> ये बात कर रहे थे कि दोस्ती में मेरे मूड स्विंग्स होते हैं नहीं 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 ये नहीं यार आई वाज आस्किंग यू गाइस समथिंग शिट अब मुझे याद नहीं आ रहा तुम्हें तो पता है तुमसे ज्यादा मुझे ज्यादा उलझन होएगी अब सुनने वाले को ज्यादा उलझन होती है कि शिट इसको बात हां हां याद आ गया याद आ गया सॉरी 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 याद आ गया वो ये था कि तुमने जो बात की थी कि मैं उन लड़कियों को ऐसे नहीं देखता कि मुझे उनसे प्यार हो गया मैं देखता हूँ कि वो खूबसूरत हैं हाँ डू यू थिंक सर आप टिकट करती हो ठीक है आप इंस्टाग्राम पे हो आप एक लड़की इन्फ्लुंसर हो फीमेल इन्फ्लुंसर हो तो आपको ये चीज़ कितनी अनॉय करती है कि ये जो इस तरह के लोग होते हैं जो कि ये घूरीबाज या ताड़ू जिनको कहते हैं आप लाहौर के अंदर इनसे आपको कितनी कितनी ज़्यादा इरिटेशन मुझे होती है। बहुत ज्यादा होती है मेरे कभी कभी दिल करता है मैं इनको पकड़ के मारू कभी बाहर निकलती हूँ कोई इस तरह देख रहा हो ना मेरे देख... मैं तो लड़ पड़ती हूँ इसको पता मुझे तो गुस्सा तो आ जाता है मैं तो लड़ पड़ती हूँ ये डर जाता है कि मैं लड़ती हूँ सब बता दो <laughs> <laughs> अच्छा तो क्या उसमें जब आपको पता लगा कि हाशिर भी उन्हीं लोगों में से एक है तो आपको तो इससे कितनी दफा लड़ी हो ये खड़ी हुई नहीं पूछा भाई भी भी, मैं ये कह रहा हूं खूबसूरती अल्लाह ताला ने बनाई है तो उसकी तारीफ करनी चाहिए हाशिर खूबसूरती तो पहाड़ों में भी है तो तो भी उनके सामने खड़े होके कहते उनके सामने तो खड़े होके देखा है कि तुम पहाड़ों की तस्वीर लगा रहे हो या चांद या आसमान की मैं पहाड़ों में जाके वहाँ पे माशाल्लाह बोल देता हूँ आप ही तो मैं किसी लड़की के पिक्चर तो लगा रहा ना इंस्टाग्राम पे अपने आप में से कोई मून गेजिंग करता है चांद को देखता है इस तरह देख के खूबसूरत कितना खूबसूरत चांद है मैं यहाँ अपने आप को शीशे में देख ली कभी कभी ना यानी के सीरियस कॉन्वर्सेशन भी कर लेते हैं कोई आप कभी चांद को देख के देखती हो कभी कभी क्या होगा ज्यादा नहीं गुड आपको सच्चा प्यार हो सकता <laughs> मुझे हो गया हुआ क्या हुआ क्यों <laughs> <laughs> ये एक्चुअली हमारी आपस की बात <laughs> बता सकता हूँ नहीं क्यों, क्यों? क्या सुंदर से कहा था कि आप सुंदर से कहता है क्या तुम ऐसे ऐसे इशारे सब में बैठ के करोगे आप सुंदर से कहा था सुंदर को पता चला था जो लोग हां वही सुंदर ने कहीं से सुना था सुंदर से आगे मुझे कह दिया शी डजंट बिलीव इन इट हां सुंदर से मुझे कहा था <laughs> 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 <ने> कि <का> <laughs> बटर तुझे पता है जो लोग चांद को बहुत देखते हैं ना उनको कभी सच्चा प्यार नहीं होता मिलता मैंने कहा हाय

यार कनाडा हाँ। के अंदर ना बिकॉज वहाँ पे पोल्यूशन थोड़ी सी कम है तो स्काईज़ जो होते हैं ना बहुत ज़्यादा क्लियर होते हैं लाइक like, बहुत ज़्यादा तो एक होता है फिन जिसको कहते हैं ब्लड मून या रेड मून वो मेरे ख़्याल वंस अ ईयर होता है या वंस इन फ्यू ईयर्स होता है इस इस टाइप का उसका कोई सीन है कि वो बहुत अरसे बाद एक दफ़ा होता है वो हराइजन पर जब आता है ना चांद जब हरू भूरा होता है या बेसिकली तो अर्थ घूम रही होती है ना तो जब चांद हराइजन पर आता है ना तो वो इतना बड़ा नजर आता है वो एवरेज से डबल साइज का नजर आता है और वो सामने ऐसा नजर आ रहा होता है जैसे कि ये अच्छा हाँ तो वहाँ पे चांद अलग होता है ना हम भी देखेंगे वहां पर तो नजर नहीं आया तो वहाँ तुम्हारी नजरें नहीं थी चांद तो वही था <laughs> तुम्हारी नजरें कहीं और थी चांद तो सूरज अपनी अपनी जगह पे अपने काम कर रहे थे आप तुम्हारी नजरें नजरे कहीं और थी। क्या थी। क्या मैं इसको कह रही हूँ कि ये चाँद सूरज देख नहीं रहा था क्योंकि ये दुनिया में इतना गुम था नज़रें कहीं और था मैं देख रहा था अच्छा हाँ मैं वहीं पे तो था मैं टूटते हुए को प्लीज <laughs> माइक थोड़ा करीब कर <laughs> हाँ क्या कहते हैं टिकटॉक ऐसा जा रहा है रोज़ बनाती हो पहले बनाती थी डेली बेसिस पर अब नहीं बनाती ये झूठ है जब से बाय द वे जब से तुम लोगों की दोस्ती हुई है हाशर इज़ वेरी एक्टिव इन टिकटॉक हाशर डू यू सी अ डिफरेंस इन पॉपुलैरिटी बिकॉज ऑफ टिकटॉक हां मैं बेसिकली मैं टिकटॉक्स जो है वो इतनी नहीं बनाता ये बनाती है और इससे ये है कि लाइक like, काफ़ी लोग मुझे अब डिफरेंट ऑडियंस भी आ रही है अब लाइक देखते हैं मुझे लोग क्योंकि पे पे तो मेरे रहा है पे, जो है, वहाँ पे भी और टिकटॉक uh, पे भी uh, मेरे कोई तीन चार हज़ार फॉलोअ बढ़ गए मतलब कुछ लगाए बगैर सर यू आर वेरी एक्टिव ऑन टिकट जिसकी वजह से और इंस्टाग्राम इज वेल यू हैव हैवेज फॉलोइंग ऑन इंस्टाग्राम आपके कोई तकरीबन तकरीबन दो मिलियन फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पे तो ये बताओ कि ये वही ऑडियंस है जो टिकटॉक वाली है या ये कम्प्लीटली एक डिफरेंट ऑडियंस है जो इंस्टाग्राम पे है नहीं टिकटॉक वाली भी है और इंस्टाग्राम वाली भी है टिकट मैं ज़्यादा बनाती थी इंस्टाग्राम पे पिक्चर्स कम अपलोड करती थी लेकिन इंस्टाग्राम पे मेरे पहले फॉलोवर्स बड़े थे टिकटॉक पे बाद में आई थी मैं इंस्टाग्राम पे मैं पहले थी जब मेरे ट्वेंटी के थे इंस्टाग्राम पर कौन सी ऑडियंस ज़्यादा सेफ कौन सी ऐप uh, ज़्यादा सेफ लगती है इंस्टाग्राम <laughs> है अगर एक एक पिक करना चाहो तो वाकई क्यों क्यों ऐसा क्यूं? मतलब टिकटॉक पहले अभी भी अच्छा है पहले बहुत अच्छा था ऑडियंस भी अच्छी थी उसकी अब थोड़ा और तरह से हो गया अब वो लोग नहीं रह गए जो पहले थे जब ने स्टार्ट किया था तब काफी अच्छे कंटेंट आता था अब थोड़ा अजीब हो गया तो इंस्टाग्राम शुरू से ही मुझे ज्यादा पसंद है किस तरह की किस तरह क्या प्रॉब्लम्स है टिकटॉक से जो अब आ रही है अब फेस करनी पड़ रही है बहुत अजीब से कॉन्टेंट आते हैं ये शुरू में ये जो टिकटॉक जब बैन हुआ था तो उन्होंने बोला था कि वैसा कोई कंटेंट आएगा तो हम टिकटॉक बैन कर देंगे पाकिस्तान में वो लेकिन अभी तक वही चीज़ें हैं कोई कुछ भी बना देता है और उसको फेमस हो जाता है यानी कि क्या बना रहा है मैं ये जानना चाह रहा स्पेसिफिक्स किस तरह का यू कैन <laughs> बहुत ही गलत मैसेजेस बच्चे भी देखते हैं टिकटॉक ज़्यादा बच्चे ही देखते हैं बहुत ही कपल कुछ अच्छा ऐसा बना रहे होते हैं जो मूवीज़ में भी बॉलीवुड की मूवीज़ में दिखाया जाता है वो टिकटॉक पे पाकिस्तान की बच्चे बना रहे होते explicit हैं एक्सप्लिसिट सीन्स यानी के बहुत ज्यादा बहुत ही ज्यादा बहुत ज्यादा पीजी13 से बहुत ऊपर <laughs> 18 प्लस कंटेंट <laughs> 18 18 प्लस।, 18 प्लस तो नहीं हो सकता नहीं 18 प्लस न्यूडिटी भी है बिल्कुल है डिलीट कर देते हैं वीडियो लेकिन दो दिन लगी रहती है उसके बाद होती है और उस पे नीचे कमेंट्स ऐसे कमेंट्स होते हैं पढ़ के कभी-कभी सोचती हूं कि मैं वीडियो ना लगाऊं इसलिए

एंजॉय कर रहे हैं वो कंटेंट बिल्कुल पूरा पाकिस्तान टिकटॉक पे अब जैसे कोई आज रमजान रमज़ान में क्या कहते हैं कमेंट करते हैं रमजान है वीडियो लगा रहे हो ये नहीं देखते कि रमजान में वीडियो देख रहे हो लोग इस तरह करते हैं मुहर्रम है ये करें मुहर्रम में शर्म आनी चाहिए हा सॉन्ग्स पर नहीं बनाते मुहर्रम में ना कोई डायलॉग पर बना ले तो कहते हैं कि डायलॉग्स पर भी क्यों बना रहे हो मुहर्रम है तो अब किस किस को जाके हम कमेंट करें तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो तुम वीडियो क्यों देख रहे हो तुम भी मुहर्रम में मत देखो गुड पॉइंट तो टिकटॉक यानी कि सोचा हुआ वैसे फ्यूचर प्लान के अंदर के एन इन्फ्लुएंसर ये कहाँ तक गेम जाएगी लाइक आपने एज एन इन्फ्लुएंसर ही रहना है टिकटॉक क्विट कर देना है या टिकटॉक बनाते रहना है या कहाँ तक क्या आइडिया क्या है वैसे पता नहीं जब मैंने स्टार्ट किया था मुझे नहीं पता था कि मैं टिकटॉक पर ऐसा फेमस हो जाऊंगी और मैं इंस्टाग्राम पर जाऊंगी तो हमारे तो प्लान्स प्लान्स ही रह जाते हैं वो तो अल्लाह के प्लान्स हैं पता नहीं आगे क्या होना है खुद ही चीज़ें चलती रहती हैं साथ साथ ही चलती है इंस्टाग्राम आई थिंक टिकटॉक पे जहाँ तक मुझे लगता है टिकट का सीन ये कि है कि टिकट ईजी टू यूज़ है इंस्टाग्राम ऑन दी अदर हैंड जहाँ तक मुझे लगता है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है क्या स्टोरीज क्या पोस्ट नीचे प्लस का साइन बनावे फिर एक प्रोफाइल का साइन बना हुए फिर एक हार तो हर बंदा इंस्टाग्राम ऑल दो यूज़ करता होगा बट उस तरह जिस तरह टिकट पे तो आपके सामने वीडियोस बार बार आई जा रही हैं और जो लोग पब्लिक हैं बस वो पब्लिक ही हैं और प्राइवेट कोई सीन उस तरह का नहीं है कि प्राइवेट सामने आ ही नहीं रहे इंस्टाग्राम इजी है इंस्टाग्राम पे हम कुछ इंस्टाग्राम इजी है इंस्टाग्राम ईजी इसलिए है क्योंकि वहाँ की जो ऑडियंस है ना वो इस तरह की नहीं है जैसे टिकटॉक पर है टिकट पर कोई भी कॉन्टेंट लगाने से पहले दस दफ़ा सोचना पड़ता है कि ये लगा दें बहुत सोच कर कैप्शन लगाना पड़ता है हैशटैग मुझे यहाँ से कितनी तुम्हारी थी अपलोड नहीं की मैं एक, एक के मरने वाला नहीं ये टिकटॉक की वजह से आ, मतलब मैं भी काफी चेंज हुई हूँ मैं हर चीज करते हुए भी बहुत चीज़ सोचती हूँ क्या अपलोड करना है क्या नहीं लोग जज बहुत ज्यादा करते हैं खासतौर पर टिकटॉक पर

मैं बैठी हुई पब्लिक पे वही चीज़ करूँगी जो ऑब्वियसली बात है अगर मैं अपने कज़न के साथ या भाई के साथ बैठ के कोई बहुत ही कोई रैंडम चीज़ कर रही हूँ बट दुनिया वो चीज़ एक्सेप्ट वो एक्सेप्ट नहीं कर रही इस चीज़ को कि ओ तुम कज़न के साथ बैठ के हा हा ही ही ताली तूली <laughs> तो जिसको वो इशू होता है वो फिर वो उस चीज़ को स्क्रीन रिकॉर्ड करता है अब ये वाली वीडियो भी जाएगी ग्रुप में के बताओ किसने <laughs> तुम्हारा <laughs> स्क्रीन रिकॉर्ड अच्छा हमें कोई नहीं मसला होता दूसरों की लाइफ में <laughs> लोग कितना बोलते हैं ये अब मैं बताती हूँ आपको मेरे पापा को ये वीडियो जाएगी वीडियो भेजते हैं व्हाट्सएप और मैंने जिसकी बात की उसको भी समझ आ जाएगी कि मेरी बात हो रही है यहाँ पर वही ना ये चीज़ भी बेशक अब चली जाए जैसे मेरा अब ये है मुझे पता है कि अगर मैं मैं बहुत ऊँचा बोलती हूँ ना कि जैसे मेरा ये सीन है कि अगर, पोले। सही पोले। अच्छा कि जैसे हम मेरा ये अक्सर सीन होता है कि बहुत नहीं लेकिन अगर मैं कोई बहुत अंदर की कोई बहुत नॉर्मल बात कर रही हूँ तो स्क्रीन रिकॉर्ड होएगी और फिर वो फैमिली ग्रुप में जाएगी और फिर सब बैठ के उसके ऊपर बोलेंगे कि अच्छा ये तुम क्या बात कर रही हो अच्छा ये कब हुआ और मैं बस सोचती हूँ कि यार मतलब अगर पब्लिक अकाउंट पर बैठ के करी तो ऑबियसली बात है कोई इस तरह की बात तो नहीं है कि मैं को बहुत घर के अंदर की चीज़ निकाल के दिखा रही हूँ लेकिन ये कि इश्यूज होते हैं फैमिलीज को वो आपकी वो वाली बात स्टार्टिंग में मुझे एन्जाइटी हो जाती थी कोई भी कॉल कर रहा होता था मामा को मामा पापा ना सुनते बहुत हैं ख़ास पापा बहुत सुनते हैं अपने बहन भाइयों की है, सब की ना तो पापा जब कॉल्स करते थे तो मैं दो दो तीन तीन दिन, दिन, दिन पापा की कॉल नहीं उठाती थी मुझे पता था तो मुझे डांट पड़ेगी मुझे एन्जाइटी हो जाएगी लेकिन अब जाकर बोलते हैं ये तो हमारी भांजी है हमारी भतीजी है।, है? है? है ये सैयद सज़ेद है सैयदों की है लड़की इसको ये अच्छा नहीं लगता ये काम करना अब मैं सबकी भांजी भतीजी हूँ पिक्चर खिंचा लें हमारे दा बच्चे के साथ आप तो मुझे बुलाते हैं आ जाए हमारे घर आए होता है आपके साथ भी हुआ था ना कि ना बनाए ये वीडियोस वगैरह ये हर किसी के साथ होता है मेरे साथ भी हुआ आई um, थिंक actually... कोई भी चीज़ सॉरी कोई भी चीज़ आप थोड़ी सी डिफरेंट करो ना जैसे मे मेरी फैमिली में मुझे नहीं मुझे नहीं लगता कि कोई किसी की अपने कज़न के साथ इस तरह की जिस तरह मेरी और शावीर की दोस्ती थी इस तरह की हो या फिर हम लोग इस तरह पब्लिक में मे मुझे नहीं याद कि हमारी कोई भी लड़की या कोई भी कज़न हमारी इस तरह पब्लिक अकाउंट पर बैठ के और जी बहुत नॉर्मल कैजुअल कॉनवर्जेसन्स हो रही हों तो ये एक चीज़ गलत नहीं थी बट ये चीज़ एक नॉर्म्स के अगेंस्ट थी क्योंकि नॉर्मल चीज़ नहीं थी कि एक कज़न्स बैठे हुए हैं और वो बहुत हाहा हा ही कर रहे हैं तालियाँ मार रहे हैं और बहुत कैजुअल बातें कर रहे हैं तो ऑल दो ये चीज़ गलत नहीं थी नहीं थी लेकिन ऑफ थी तो लोगों से एक्सेप्ट नहीं होती थी क्योंकि हम लोग वही बात है कि चेंज या फिर कोई डिफरेंट चीज़ एक्सेप्ट करने में ना हम लोग को थोड़ा सा होता है कि अब जैसे टिकटॉक भी आया था तो एक पॉइंट पे टिकटॉक का वही टाइम आया था कि Uh, हर बंदे ने ना बहुत मुंह के ऊपर रेड कलर की लिपस्टिक्स गंदी बिंदिया प्याज लटका के वो ज़ाहिर है फ़नी कंटेंट बनाने के लिए आ, इंटो के ऊपर बैठ के इंटे सर पे रख के और वो ना इस तरह की वीडियोज बनाना शुरू हो गए थे मैं अपना पॉइंट ही भूल गई हूँ वैसे लेकिन न, <laughs> मैं तो ना यूँ मैं इसकी नजरों से क्या बोल रही है तो पॉइंट क्या होगा ये बॉम्ब गिरने लगा पब्लिक के ऊपर ना इस बार ज्ञान आ गया करो करो थोड़ी देर मुझे याद आ जाए कवर कवर कर कर भाई कर। एक पप्पी अच्छा <laughs> आप क्या बात करने लगे थे ज़रा मैं ये कहना लगा था नहीं मुझे याद है मुझे याद है एक्चुअली uh, मैं ये पूछना लगा था ये चीज़ें मुझे एक्चुअली बहुत कंसर्न करती हैं uh, जो पता नहीं ये कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए लेकिन ये कल्चरली बहुत सारी चीज़ें अनएक्सेप्टेबल है हमारी सोसाइटी के अंदर और कल्चर की वजह से और हम लोग हिपोक्रेट भी अच्छे ख़ासे हैं यानी कि हमें जो चीज़ें दूसरों की नॉर्मल लगती हैं वो अपनी अजीब लगती हैं फॉर एग्ज़ाम्पल अगर लड़का और लड़की लड़का जब एक सर्टेन एज का हो जाता है तो अगर वो बाहर डेट्स पे जा रहा है या वो बाहर किसी लड़की के साथ जा रहा है तो वो ऑब्जेक्टिवली एक एक्सेप्टेबल चीज़ है यानी कि वो है कि हाँ ठीक है बड़ा हो गया थोड़ा सा जाता है बाहर तो जाने दो सही है लेकिन अगर वही काम लड़की करे तो मारने पे आ जाते हैं तुल जा यानी कि उनको होता है कि यार ये क्यों हो रहा है इज्जत पे बात आ गई है इसी तरह जब आ, आप ये हिपोक्रेसी की मैं बात कर रहा करूँ डबल स्टैंडर्ड्स की बात कर रहा करो इसी तरह जब आप बॉलीवुड की फिल्म देखें वहाँ पे आइटम नंबर देखें पाकिस्तान और इंडिया की लड़ाई से पहले यहाँ पे बॉलीवुड फिल्म लगती थी आपके थिएटर्स वगैरह में तो वो एक कंप्लीटली नॉर्मल चीज़ थी उसके अंदर सीन्स भी नहीं कटते थे उसके अंदर न्यूडिटी भी उसी तरह की थी न्यूडिटी तो नहीं लेकिन एक एक्सेसिव स्किन शोइंग लेकिन अगर और वो चीज़ आप देखते हो और वो चीज़ आपके लिए कम्प्लीटली नॉर्मल है तो यानी आपने ये डिसाइड कर लिया कहीं ना कहीं कि देखने तक चीज़ ठीक है अगर दूसरे की हो अपनी हो तो प्रॉब्लम है hmm. हमारी हो तो प्रॉब्लम है ये हिपोक्रेसी है ये डबल स्टैंडर्ड्स है या तो वो चीज़ ही गलत है या वो चीज़ सही है आप डिसाइड कर लो कि क्या क्या है तो सवाल मेरा ये था इस सारी चीज़ को कहने के बाद कि सुंदस के साथ भी ये हुआ था इनिशियली कि जब इसको वो टिकट पर इसकी वीडियोज़ गई हैं तो टिकट एज ए प्लेटफॉर्म एक लुक डाउन अपन चीज़ है क्योंकि उसके ऊपर थोड़ा सा डांस वगैरह ज़्यादा है जिसको जिसको बहुत सारे लोग परफॉर्मिंग आर्ट्स भी कंसिडर करते हैं यानी ये डांसिंग जो है परफॉर्मिंग आर्ट अराउंड इन द वर्ल्ड यहाँ पे उस चीज़ को लुक डाउन अपॉन किया जाता है लेकिन बाहर तो ये एक प्रॉपर परफॉर्मिंग आर्ट्स है ना आर्टिस्टिक यहाँ पे उस चीज़ के ऊपर लोगों को गालियाँ पड़ती हैं तो क्योंकि सुंदस टिकटॉक पे सुंदस की वीडियोज आना शुरू हो गई थी जो कि फैंस वगैरह ने इकट्ठी करके लगाना शुरू कर दी तो सुंदस के पेरेंट्स को मसला था इस चीज़ से तो जिस तरह आपने कहा कि आपके पेरेंट्स को भी उन चीज़ से मसला था टू बोथ ऑफ द लेडीज़ ओवर हीयर सवाल मेरा ये है कि आप लोग को कभी रियल लाइफ में कभी इस तरह का ट्रोलिंग ट्रोलिंग कॉन्टैक्ट हुआ यानी कोई इंसान ने देख के कोई लाइन मारी हो टिकटॉक से रिलेटेड क्यों तुम तो टिकटॉक पे आती हो तो एक्स वाई और जी एक बहुत दफा हुआ है रिसेंटली तो ऐसे हुआ कि तीन तीन लड़के आए उनको कहते हैं हमारे साथ ना उठ हमारे साथ पिक्चर बना पर तो मैं ना पैकेजेस में बैठी हुई थी हम शॉपिंग करने गए थे मेरी बड़ी बहन है वो बहुत ज़्यादा लड़की है उसने कहा ये किस तरह बोल रहे हो कहता है टिकटॉक बनाती है टिकटॉक स्टार है हाँ ऐसा पिक्चर नहीं है मैं देखता हूँ ऐसा पिक्चर कैसे नहीं है नहीं रहेगी तो जाके अनफॉलो कर दूंगा <laughs> मैं कहता तो ऐसा पिक्चर नहीं देनी बना कर जाएगी फिर कायदा वा वहाँ से सिक्योरिटी आई और उन्होंने मुझे वहाँ से बाहर निकाला क्योंकि बहुत ज्यादा लोग इकट्ठे हो गए थे मतलब मैं अकेली बाहर नहीं जाती अच्छा वाकई नहीं बिल्कुल यानी कि होता है कि क्या फायदा यानी हरासमेंट हरासमेंट इस तरह की नॉर्मल है बहुत ये तो बहुत छोटी बात बताइए लोग तो बहुत तंग करते हैं मुझे छोड़े मैं तो फिर लड़की हूँ मुझे तो अगर मैं ना भी फ़ेमस होती मुझे फिर भी कहीं ना कहीं लोगों ने तंग करना था ना। लड़के करते हैं इसको तंग कर रहे होते हैं मेरे साथ बाहर जाए ये तो लोग इसको तंग कर हाशिर हमारी गाड़ी में बैठो ऐसे कहते हैं उसको अच्छा ये बता क्या सीन ये इसने स्टोरी मैं पूरी बता दू क्या सीन तुम पूरी मत बताओ उस दिन शबीर भाई मैं रोने वाली हो गई थी जो इसने इसने हरकत उस दिन की थी अच्छा ये चौदह की बात है बताओ तुम। चौदह अगस्त की हाँ फोर्टीन अगस्त की मैं इसकी बात है। 14 की। अच्छा हम लोग ना बाहर निकले फिर हम लोग ना वैसे बाहर निकले फोरटीन अगस्त को मैं बाहर नहीं जाती क्योंकि रश बहुत आता है उससे मेरा बर्थडे था तो so, मैं इसके साथ बाहर निकल मैंने कहा बाहर चलते हैं इसने कहा मैंने बाहर जाना है हम बाहर निकले इसको ना बाजे का शौक़ पड़ गया मैंने बाजा लेना है तो इसने एक अंकल खड़े थे उनको बुलाया उनको फाइव हंड्रेड दिया उन्होंने बाजा दिया वो बाजा था ख़राब इसने चेक नहीं किया इसने आगे जा जब बजाया वो बजे ना इसने कहा मेन रोड पर गाड़ी रोको मैं नहीं रोक रही थी मैंने कहा हाशिर बहुत रश है हम नहीं इस तरह निकल सकते इसने कहा नहीं तुम बैठी रहो मैं निकल सकता हूँ अभी बहुत स्लो मैं चला ही रही थी चलती गाड़ी से उतर गया अब आगे पुलिस खड़ी थी पुलिस ने मुझे उन्होंने कहा कि गाड़ी आगे जाके लगा दें आपने मेन रोड पर गाड़ी नहीं लगानी मैंने आगे जाके गाड़ी लगा ली एक घंटा मैं इसको ढूंढती थी नहीं मुझे मिला ही नहीं और मैं रोने वाली होगी मैंने इतने लोगों को पैसे लगा दिए इसकी पिक्चर दिखा के इसको जो ढूंढ के लाएगा उसको इतने पैसे दूंगी क्योंकि मैं अकेली बाहर नहीं जा सकती थी क्योंकि लास्ट ईयर जो फ़ोर्टीन अगस्त पे हुआ था आपको याद होगा वो एक लड़की वाला जो हुआ था इंसिडेंट तो

कैमराज ऑफ है अगर कैमराज ऑफ रहे थे शाविर भाई एक लड़की आई बहुत हॉट हाँ थी फिर <laughs> <थे रसे शे। laughs> <laughs> यार ये तो ये जो भी बात हो रही है ना जिन लड़कों की उन लड़कों में से एक हाशिर भी है ठीक है सुंदस ये किसी से ये बहुत चेंज हो गया ना? ये किसी की के साथ मीटिंग पे गया है <laughs> ये किसी के साथ मीटिंग में गया है

obviously सामने उसके रिलेशन, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है इसकी बात पे हॉट भी कहोगे तुम्हें तुम सामने अपने रिलेशन की बात भी करोगे ताकि तुम्हारा चांस ना खराब हो लेकिन लेकिन रिलेशनशिप में तो नहीं हो नहीं, नहीं अल्लाह माफ ये उनमें से हैं जो कि लड़कियां कलेक्ट करते रहते हैं अपने पे ना कि ये भी हॉट है ये भी है, ये भी भी हॉट हॉट है है लेकिन कभी उनके साथ कोई रिलेशनशिप परस्यू नहीं करना उनसे प्यार की कोई बात नहीं करनी क्योंकि अगर ज्यादा ज्यादा हुआ भी तो यार चलो ठीक है यार इसके साथ एक दो डेटे मार के ना जरा इसको थोड़ा सा समझ समझ गई हो ना उसके बाद छोड़ देंगे ये उनमें से है और अगर वही लड़की और अगर वही लड़की और अगर वही लड़की रिलेशनशिप में चली जाना तो डिप्रेस होके बैठ जाएगा कि मैंने तो सोचा, सोचा था कि था। ये मुझे पसंद है कि मैं इसके साथ एक दो डेट्स मारूंगा और अगर वो लड़की किसी रिलेशनशिप में चली जाए ना तो ये करेगा यार क्यों रिलेशनशिप में शहर तो ये, ये बात ठीक है कि गलत है ये बात ठीक है ना ठीक है मुझे जब से तुमने एक दो तुम बिल्कुल चुप हुए हो ना

तेरा दिमाग का खाता खुल आ, गया ना अब अच्छा एक, आप, पहले तू ताड़ू नहीं था अब तू ताड़ू हो गया, है, है <laughs> <या, भै। गंदा। laughs> गया पहले तू ताड़ू नहीं था अब तो ताड़ू है पहले तू ठरकी नहीं था अब तू ठरकी ठरक और ताड़ूनस एक दफा इंसान की खुल जाना वो कभी खत्म नहीं होती मेरा मेरा बचपन से लिटरली बचपन से मैं ये नहीं कह रहा कि मैं बहुत साफ सुथरा हूँ मैं भी नहीं हूँ सही है हर हर इंसान के ऊपर ना यूं एक सीसो वाली वो आती है कभी ऊपर होती है आपकी जिंदगी कभी नीचे होती है लेकिन मेरा हमेशा से स्कूल से बीकन हाउस से मेरे जितने दोस्त थे ना हम लोग डिफेंस थिएटर जाते थे ये थिएटर नहीं था जो डिफेंस क्लब वाला यहाँ पे जाके ना ये लोग खड़े हो जाते थे और ये लोग लड़कियाँ देखते थे बाहर निकलती हुई जो सिनेमामाज होते थे वहाँ से मुझे पता लगा कि ताड़ना क्या होता है मुझे कसम से आइडिया नहीं था मुझे इतनी स्टूपट लगी ना ये चीज़ क्योंकि मैंने कहा उस वक्त मेरे मेरे दिमाग में ये आया कि यार इससे कोई मिल जाता है अगर नहीं मिलता तो क्यों कह रहे हैं फायदा क्या दोस्त कैसे आंखें ठंडी कर रहे हैं <laughs> यानी कि अजीब कॉन्सेप्ट समझ नहीं आती थी कि ये क्यों आई यूज टू लिटरली फाइट विद माई फ्रेंड्स के तुम लोग ये यूं क्यों रहे हो अगर इससे कोई मिलेगा तो ठीक है समझ आती है लेकिन अगर ताड़ने से कोई मिल नहीं रहा तो तुम्हारा फायदा क्या हो रहा है एट तुम किसी को अनकंफर्टेबल कह रहे हो वर्ड्स मैं एक और चीज एक और चीज एक और चीज ये ताड़ने से मुझे एक चीज याद आई जो कि बहुत ही डिस्कस्टिंगली फ़नी स्टोरी है मैं और आयशा एक आ, पार्टी पे जा रहे थे तो वहाँ पे जाने से पहले हम लोग ने सोचा कि किसी के घर जा रहे हैं पहली दफ़ा तो हम लोग कोई केक उक पकड़ लेते हैं तो हम लोग एक बेकरी पे रुके आयशा बेकरी के अंदर गई आयशा की जो चॉइस है वो मेरे से ज़्यादा अच्छी है लड़कियों की बेकरी में एनी तो आयशा जब हम लोग तैयार हुए थे अच्छा खासा ठीक है तो आयशा अंदर जा रही थी तो बाहर जो सिक्योरिटी uh, वाले थे ना सात वाली दुकान के बेकरी की सात वाली दुकान एक बैंक था उसका जो सिक्योरिटी गार्ड था ना उसकी इतनी बटोरी दाढ़ी थी लिटरली और वो थोड़ा सा हेल्दी सा था तो अब आयशा अंदर जा रही है और मैं उसको देख रहा था मुझे मुझे शक था कि ये ना मुझे ताड़ू टाइप लग रहा है यानी कि हो जाता ना लुक hmm. से पता लग जाता है क्योंकि वो एक आंटी गुजरी थी वो पहले ना यूं करके ना उनके बिल्कुल हिप्स को देख के यूं करके ही वाज नॉट ब्रेकिंग हिज विजन तो मुझे था कि यार हाउ क्रेजी इज़ दैट यानी कि आप अपनी आ, आप किसी को uncomfortable इतना कैसे कर सकते हो तो एनी मैंने यूँ गाड़ी पार की आयशा यहाँ से उतर के गई है सीधा और मैं देखना चाह रहा था कि ये देखता आयशा को कि नहीं देखता यार आर लिटरली सुंदरस आयशा उतर के गई है और उस बंदे ने गाड़ी से उतरने तक उस बंदे आयशा को देखा है और उसने हर जगह देखा है और जब तक आयशा अंदर स्टोर के नहीं चलेगी वो देखता रहा है वो देखता रहा है उसने नज़र नहीं तोड़ी उसके बाद क्योंकि वो मेरे और उसके बीच में से आ, मेरे और उसके बीच में से आयशा गुजरी है तो मैं उसकी तरफ देख रहा था कॉन्स्टेंटली जब आयशा अंदर गई है ना तो उसने मेरी तरफ यूं करके देखा है और मैं उसको यूं करके देख रहा हूँ क्योंकि मैंने तो उससे नज़र नहीं तो सो आई लुकिंग एट एम लाइक दिस और वो मुझे देख के कहता है यूं करता है ठीक है मुझे समझ नहीं आई कि मैं क्या करूं तो इन माई हेड अगर मैं कुछ कर सकता मेरा दिल ये कह रहा था कि मैं गाड़ी से उतरूं और मैं उसको जाके कहूँ कि चलें अब आपकी बीवी लेकर आते हैं लिटरली लिटरली मैं इतना थोड़ा सा एक्सट्रीम पे चला गया था कि मैं क्या चला लेकिन होना क्या था वहाँ पे? उसने पांच बंदे बुला के मुझे पिटाई कर देनी थी बट द पॉइंट इज़ कि यहाँ पे ता, ता यानी कि आप किसी को देखो ठीक है आप जो खूबसूरत चीज़ है उसका आप एक नज़र वैसे भी माफ होती ना, ना, सही हाँ के है <laughs> नजर है अल्लाह तल रही है अल्लाह में बंद नहीं करनी तो इतनी इतनी मैं सीरियस बात कह रहा हूं और आशर तुम्हें क्या मजाक कर कमाल तो मैं मैं सोचता हूं कि यार आप ठीक है यानी कि आप किसी को देख सकते हो लेकिन आप किसी को अनकंफर्टेबल करो और किसी को देखो ये दो डिफरेंट चीजें हैं यहाँ पे अक्सर लोग अनकंफर्टेबल कर देते हैं लड़कियाँ जैसे आप कह रही हो कि मैं अकेली बाहर नहीं जा सकती यार ऐसा नहीं होना चाहिए होना चाहिए कि यार मेरा मुल्क है मैं जब मर्जी जहाँ मर्जी जिस मर्जी टाइम बाहर निकलूँ इसमें क्या गलत है यहाँ पे तो विक्ट ब्लेमिंग होती है जब वो हमारा मोटिवे पे मोटिवे पे हुआ था मोटिवे पे जो रेप हुआ था तो उसके ऊपर जो पुलिस ऑफिसर था जो इंचार्ज था उसने कहा ये रात को इतनी बाहर क्यों निकली और निकली थी तो अपने टैंक पेट्रोल पंप अपना पेट्रोल देख के क्यों निकली क्या जरूरत थी रात को निकलने की तो हाँ ये तो सीन है और कोई इससे ज़्यादा कोई कभी कोई यानी कि कोई ऐसा तो नहीं ना हुआ कि कोई यूं करके धक्का धक्का देख दे के भाग गया हो या कोई टच टुच करके भाग गया हो इस तरह बहुत दफ़ा हुआ बहुत करते हैं लोग इस तरह मेरे पापा कुेत में रहते हैं वो वहाँ से फोन करके पूछते हैं अकेली बाहर तो नहीं गई हालांकि मेरा मेरे घर में लड़कों लड़ वाला अलग है बेटा हूँ मैं अपने घर का मैं सबसे छोटी लेकिन सबसे बड़े रोल अदा कर रही हूँ अभी इस टाइम घर पर तो मेरा बाहर निकलना एक मजबूरी भी थी शुरू में वरना जिस तरह हमारे आ, मेरे जो पापा हैं उनको बिल्कुल पसंद नहीं था बेटियाँ कोई तो बाहर दरवाज़ा खटके तो वो दरवाज़ा भी खोलें मेरे पापा इस तरह के बेटियाँ एक कमरे में रहें उस कमरे से बाहर तब आएँ जब मैं आवाज़ मारूँ तो फिर मैं खैर कुछ मसले होते हैं फैमिलीज़ के मैं बाहर निकली तो मैंने बड़ी चीज़ें देखी इस तरह के सही हमारे कहीं ना कहीं पेरेंट्स कहते हैं कि बाहर नहीं निकलना चाहिए क्योंकि आवाम ऐसी ही है लड़की बाहर निकली है क्यों निकली है लड़की ठीक ही नहीं है चलो जब ठीक नहीं है तो फिर हम इसके साथ क्यों ठीक रहे चलो चलते हैं मतलब लड़कों की ये मैंटेलिटी है कि वो अगर लड़की ने पेंट शर्ट पहनी हुई है तो लड़की है ही ख़राब हम कुछ भी कर सकते हैं उसके साथ मतलब तुम्हारा अपना कोई किरदार नहीं है लड़की ख़राब है तो हम जाते हैं इसके पीछे जैसे अब स्लट हो कोई अल्लाह माफ़ करे तो लोग ही कहते हैं ये तो ऐसी है ये तो ऐसी है जो तुम उसके पास जा रहे हो तुम कैसे हो तुम्हारा अपना क्या किरदार है तुम उसके पास जा रहे हो वो जैसी भी है बिल्कुल उस yeah. तुम्हारा क्या किरदार है वो तो hmm. है ही ऐसी तो हम तो गए हैं उसके पास जाते हैं ये वो तो वो ना हमें बुलाए तुम मत जाओ <laughs> मतलब हमारी माशरे का ये है कि लड़के जो मर्जी कर सकते हैं लड़कियां नहीं कर सकती लड़की लड़की कुछ करे तो लड़की ख़राब है लड़का कुछ करे तो वो लड़का है लड़के की माफ़ी हो जाती है लड़की का ब्रेकअप हो ये मैं बताती हूँ आपको लड़की का ब्रेकअप हो लड़की का ब्रेकअप हुआ इस पे भाई दाग लग इसका रिलेशन था लड़के का तो लड़का है कोई नहीं और भी मिल जाएंगे। मेरा तो एक ही हुआ है और ही है और <laughs> वही मैं नहीं आगे बढ़ा तो पता ना उसने ये पॉइंट पॉइंट ये ये था ही नहीं ये बात तेरे बारे में नहीं हो रही थी कि तेरा रिलेशनशिप हुआ, है नहीं हुआ। ये बात तो रही थी लड़के कैसे मैं, मैं नहीं है

एक साल से शक होना शुरू हो गया था यारा बेटा गया निकल गया था निकल गया आप ही मैंने कोई ऐसी हरकत थी की जिसपे लाइक मुझे गिल्ट हो यही तो घर वालों को मेरे घर वाले जो है जिसपे गिल्ट करे मैंने ये तो मसला बड़ा मसला है कि तुम गलत कर रहे हो तुम्हें गिल्ट भी नहीं हो रहा लाइक गलत किया ही गलत नहीं है मैं मैं सिर्फ तो लड़की को देखता हूं प्यारी तो लगती है क्यों तक रहते तो क्या करें तुम्हें तो खूबसूरती हर चीज में क्यों नहीं नजर आती हां तो हर चीज में खूबसूरत नहीं तुम्हें हर लड़की में रेड कलर का डड्डू बैठा हुआ कितना प्यारा है यार ब्लैक डड्डू नहीं तुम्हें क्या लगता है जो शहर कह रही है वो सही है कि गलत है ऑब्वियसली सही है ऑब्वियसली शहर को छूटा थोड़ी कह सकते हैं मेरा फिर आगे चांस कैसे रहेगा यार नहीं है भाई मेरा कोई क्या भी बस करो बस करो। वो नहीं कह सकता आप बताएं जो मैं कह रही हूं वो ऑफ कोर्स सही कह रही हो बच्चार। कोई बच्चा है ना हमारे हां मैं भी ये सोच रहा हूं हां क्यूट सा कोई बेबी सा है हां जाओ देख के आओ कौन बच्चा आया लेकिन जल्दी आओ हमारी पॉडकास्ट लाइव है किसका बच्चा है हमारे घर मेहमान कौन है वैसे किसी को बुलाया नहीं नहीं एक ये वो तो नहीं है वहाज भाई, भाई की की वहाज, नहीं। भाई वहाज भाई की बेटी वहाज भाई की बेटी भाई की बेटी है सुंदस वहाज भाई की बेटी है पता ही नहीं है <laughs> आयशा के फ्रेंड की बेटी है अच्छा ओके okay, एनीवेज तो शहर में ये कह रहा था ऑब्वियसली मैं आपसे एग्री करता हूँ और मैं तो इन चीज़ों का बहुत बड़ा मैं तो ख़ुद ये ये माइंड सेट ये ये सोच फाइट करता रहता हूँ ऑन कॉन्स्टेंट देखो जो जो सही बात है वो सही बात है हाशर हाशिर जब मेरा दोस्त बना था तो हाशिर बहुत अलग था ठीक है और जोक्स से पार्ट मैं आई एम श्योर कि हाशिर इस चीज़ से अग्री भी करेगा अगर उससे कभी आप पर्सनली पूछोगी ऑफ कैमरा जहाँ मुझे लग जहाँ तक मुझे लगता है वो ये था कि हाशिर अनग्रूम था इसको बिल्कुल भी सही गलत में तमीज़ नहीं थी सेक्सिस्ट भी था यानी कि थोड़ा सा ये यानी कि जो माइंडसेट हम डिस्कस कर रहे हैं ना बहुत ज़्यादा पाया जाता था इन भाई साहब में उस वक्त सही है तो एक वक्त लगा ग्रूम करने में इनको एक वक्त लगा इनको सारा कुछ समझाने में फिर इंसान को रियलाइज होता है कुछ बदला ही नहीं फिर इंसान को रियलाइज होता है वो तीन साल की मेहनत जाया हो गई <laughs> ये लिटरली मैं और मौसम लिटरलीस्कस कर रहे थे कि तू ऑब्जेक्टिफाई yeah. करता है लड़कियों को या yeah, शाह अच्छा मैं बताता शुरू में जब मैं आपके पास आया था तब तो मैं लड़कियों की तरफ देखता भी नहीं था आपके सामने तो मैं हाथ नहीं मिलाता था किसी लड़की से ऑब्जेक्टिफाई मतलब यानी कि तू तेरा जो माइंड सेट था वो ये था कि वो अगर बताए बताएं, बताएं। बताएं। एक स्टोरी आ आई पता नहीं मैं पता नहीं मैं ये कह सकता हूँ कैमरा मैन नहीं कह सकता लेकिन नहीं ना माइक क्यों नहीं चेक करूं ऑनेस्ट आवर चल रहा है बताऊंगा मैं <laughs> मेरी स्टोरी <लिए पूछे> है मेरे से पूछे

तो लड़के के एक दफा मतलब से निकल के लड़कियों यार पे हम गाड़ी में जा रहे थे ठीक है मेरे साथ मेरी दोस्त बैठी हुई थी और उसने मुझे किस करने की कोशिश की थी और मैंने उसे साइड पे कर दिया तो मैं घर आके बोला था कि वो गलत है गंदी गलत काम करती

यार हाँ ये, ये तुम्हारे बारे में बात नहीं हो रही ये बहुत पुरानी बात बात है है तुमसे ज़ाहिर सी तुम जो अल्लाह माफ करे बीच में ले आती हो और इसके साथ मेरा खुदा की कसम कोई ऐसा सीन नहीं है अल्लाह की कसम बस ये सिर्फ दोस्त है बेस्ट फ्रेंड है। और हमारा कोई सीन है आगे जाके हो सकता है

वो इस लड़की ने पहनी हुई तो हाँ, ये 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 लेकिन मैं साल पहले था साल, अभी ये बोल रहा था दो साल, साल पहले? नहीं दो साल नहीं सॉरी साल पहले वो मतलब नहीं कहा मुझे मेरे वर्ड्स का मतलब, मतलब मैं आधे वर्ड खा जाता मेरा मतलब ये था कि पहले साल से जब मैं इनसे मिला था उसका पहला साल मैं ऐसा था और मैं लिटरली लड़कियों से हाथ नहीं मिलाता था इनको पता था तुम्हें पता है मुझे उल्टा लगता है मुझे लगता है कि पहले तुम बहुत उस तरह थे कि ओ लड़की तो मतलब चुप खामोश इज्जत रिस्पेक्ट अब तुम्हारा अपनी उल्टा अपनी हो गया। बहने, अपनी बहनें अपनी, जिन लड़कियों को भी ये इज्जत करना चाहता था उनकी बहुत इज्जत करता था मुझे बस उल्टा लगता है कि पहले ये नहीं होता था इस तरह अब ये हो गया है कि वो अच्छा अब तो फ्रेंड है ना तो। नहीं नहीं आई थिंक हाशिर इज्जत मेरा ख्याल है मेरा ख्याल है कि हाशिर इज्जत बहुत करता है मेरा ख्याल है कि ये इज़्ज़त बहुत करता है लड़कियों की इज्जत बहुत करता है जिनकी इज़्ज़त करनी हो यानी कि जो तू तो दिमाग बना लेता है तो उनकी इज़्ज़त बहुत करता है जिन, जिनकी नहीं है उनकी नहीं है और ये यही तो यही तो प्रॉब्लम है मेन जो प्रॉब्लम है लेकिन यही तो कल्चरली हर किसी लड़की की इज्जत करता हूँ ऑनेस्टली बताऊँ तो मतलब हर किसी लड़की की इज्जत करता हूँ मैं सीरियसली मतलब आ, ये नहीं है कि पे, पे, पहले जैसा नहीं रहा कि नहीं यार ये, नहीं ये किया तो ये ख़राब होगी ये होगी मैं ऑनेस्टली मेरा बचपन से माइंड सैट यही था कि अगर ये लड़की इससे हाथ मिलाती है तो ये जी मतलब ये शादी नहीं कर सकता मैं इससे मतलब क्योंकि मैं नहीं हाथ मिलाता तो अगली भी नहीं मिला मिलाया मेरा ये माइंड सैट था अगर मैं किसी की तरफ देख नहीं सकता तो वो भी नहीं देख सकती जो मेरी वाइफ होगी मेरा ये माइंड सैट था अब ये है कि शादी करनी तो नहीं है अगर होगी तो कोई भी है कोई भी बस दिल दिल बेसा सही रहे है। मतलब दिल की अच्छी हो मुझे उसके कोई हाँ। कोई गुजरे क्या कहते हैं से लेना देना नहीं है कोई कुछ नहीं है उसके जो है वो अपनी लाइफ गुजरी है और वो तो मेरे लिए नहीं किसको को को किसको अगर लगता है कि उसका हाथ में लाना भी नहीं ठीक नहीं नहीं अब मेरा ये नहीं है अब तो मेरी बेशक बीवी

वो, ने 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 ने, नहीं, नहीं, ना और वो भी वो भी ब्रेकअप होता है वो भी ट्रस्ट की वजह से टूटा हो तो ट्रस्ट है जिंदगी में एक होता है कि अब मैं कभी भी किसी पे भी ट्रस्ट नहीं कर सकता मेरे साथ ऐसा कैसे वो कर सकती थी यानी कि जब जब भी कोई चीटिंग रिलेटेड ब्रेकअप्स होते हैं तो ये होता है ये सब गुजरते हैं इन चीजों से अंगड़ी पड़ती है ना दोबारा प्यार वाली

शहर तेरे अंदर नहीं इंटरेस्ट है आपका ये पड़ा हुआ तो वो पॉडकास्ट जो होती है ना उसके अंदर ये रखा था वो मैं नहीं ऐसे में बता रहा हूँ ना इंसान कभी को कोई भूल नहीं के भी कोई अभी हमारे एक सौ सत्रहवा एपिसोड है इतना कोई टाइम थोड़ी हुआ है हमें करते हुए जो को ना पता बोलती हूँ इसलिए मैं ऊंचा इतना बोलती हूँ इसलिए मुझे लगता है की मैं यहाँ रख के भी बोलूंगी तो मेरी आवाज चली जाएगी इसलिए मेरी ना देखो फ्लैट लाइन आ रही है तुम्हारी ओ, मैं मैं नहीं बहुत ये अच्छा इसलिए रखा हुआ था कि मैं बहुत वो वाली बैकग्राउंड वाली बात करी थी जो मैं नहीं चाहती थी मतलब ओके टाइप कर रहे कर रह होते हैं तो वो हमने वो सही है क्योंकि तुमने उसको जो कहा था कि एक इमेज बन जाए वो बेचारे ने बहुत कोशिश की मैं देख रही हूँ वो ऐसे नहीं किसी पे इल्जाम लगाता बार बार वो बहुत बाद में इससे नहीं लड़ना यार ये देखो तुम मेरे, ले ली, मेरे साथ इस तरह ना करो ना मैंने क्या किया मुझे जब कोई पसंद आएगी ना मैं ओपनली बोलूंगा मुझे पसंद है तो ये तो तुम ओपनली शावी भाई को तो तुम ओपनली बोलते हो बताया मुझे मुझे तो कभी कभी लगता है ये यानी कि <laughs> क्या लगता है मैं प्रॉमिस ठीक हूँ मैंने कुछ कहा आपने क्यों रहे? तो आपने क्यों कह मैं प्रॉमिस ठीक तो बोलना था कि मुझे लगता है क्या और ये बोलते भी है मुझे मैं नहीं हूँ यार

प्यार प्यार होता है क्या, क्या लड़के से कर मतलब प्यार बड़ी प्यारी चीज है हां नो डाउट देख द, ज, जिस जहां जिसको मिल जाए देख दाढ़ी में कोई मसला नहीं है <laughs> अगर थोड़ी सी चुभे सहने नहीं, नहीं चाहिए <laughs> प्यार की बातें <laughs> पगले <laughs> <laughs> चलो खैर यार प्यार बहुत अच्छी चीज है अगर मिल जाए अगर मिल जाए अगर दोनों को हो जाए शहर व्हेन डू यू सी योरसेल्फ गेटिंग मैरिड किस साल में आपको लगता है कि आपकी शादी फाइनल बात कोई पता नहीं भाई अभी कोई प्लान नहीं मेरे है मेरी शादी आप इतनी शर्माती क्यों है शादी की बात पर। <laughs> ये सारी लड़कियों का केस है या आपका कोई स्पेशल केस है मैं शर्माती नहीं मैं शादी नहीं करना लड़के नहीं पसंद नहीं यानी कि कोई भी नहीं पसंद सिर्फ एक ही पसंद <laughs> क्या चक्कर है ये हमारी जनरेशन अपकमिंग में प्रॉब्लम है कि जब पहला पसंद आ जाए तो फिर दूसरा नहीं पसंद कर सकते क्योंकि जिंदगी बहुत अजीब होती है दोस्तों इट्स ऑलवेज अप्स एंड डाउन देर इज नॉट ऑलवेज अप्स इमेजिन करो अगर अगर सैडनेस ना हो तो क्या हैप्पीनेस हैप्पीनेस रहेगी इंपॉर्टेंस रहे की इम्पोर्टेंस रहेगी रहे वो क्या कहते हैं वो जो जब अमीना की डेथ हुई थी तुमने एक सारी खुशियाँ मिल जा बनते पीछे की रह जाए तू झूम झूम के सारी खुशियाँ अगर मिल जाएँ तो पीछे के रह जाएगा तो डोंट यू थिंक एक बहुत नेचुरल प्रोसेस है जिंदगी का डाउनस आते हैं फिर जब आप इतने सैड हो जाते हो तो फिर थोड़ा सा भी आ पाता तो आप कहते हो तो यस खुशी वो भी नहीं ना वो वाला वा टाइम आया ही नहीं है ये बोला अभी हील करने में टाइम लगेगा इतनी अच्छा सो यू आर आल्सो हर्ट आप भी थोड़ा सा हर्ट हो इस वक्त प्रोसेस से गुजर रही हो जी बिल्कुल हर कोई यहाँ पे यहाँ पे मैं मनो तो मेरे सारे सारे जो है ना उन सारों के प्ले कर अली भाई मैं पीके

तो सोशल uh, मीडिया पे मैं कभी नहीं बोली मैं हमेशा चुप रही हूँ मेरा ख्याल इट्स इम्पोर्टेंट उसकी वजह ये है कि जब आप एक सोसाइटी के अंदर रह रहे हो तो फिर आप सोसाइटी के फर्द हो आपका काम है कि जो गलत चीज़ें हैं उनको पॉइंट आउट करना क्योंकि अगर आप गलत चीज़ों को पॉइंट आउट नहीं करोगे तो वो सही कैसे करोगे मैं खुद के लिए कह रहा हूँ अब मेरे ऊपर कोई बात कर रहा होता है ना सोशल मीडिया पर और बहुत ज़्यादा चले हैं कि शहर ने ये किया शहर ने वो किया मैं कभी नहीं बोली मैं हमेशा चुप रही हूँ मतलब मतलब मेरा दिल ही नहीं किया कि मैं बोल के इन लोगों को बताऊं ये है कि लोगों ने कभी खुद से आके मुझे नहीं देखा और वो मुझे जज कर रहे हैं तो उन, मुझे उन पर तरस आता है उनकी मैंटेलिटी पे कि उनको मेरा पता नहीं है और वो मुझे बैठ कर जज कर रहे हैं मैं उन्हें क्यों क्लियर करूं मेरे पास इतना टाइम तो है नहीं कि मैंने क्लियर करूँ कि मैंने ये नहीं किया ये नहीं किया मुझे पता है कि मैंने गलत नहीं किया किसी के साथ कभी तो खुद में मतलब ख़ुद को मुतमिन होना चाहिए कि आपने किसी के साथ गलत नहीं किया कभी सोचती हूँ इन सारी एपिसोड के बाद जो जो ये चीज़ें होती हैं कि यार छोड़ देना ये सब कुछ टिक टॉक वगैरह सब कुछ फारे करा देना हाँ सोचते हो तो कोई प्राइवेट लाइफ ही नहीं कुछ भी करो छींक भी मार दो तो कोई मीम बनी होती है <laughs> ये कर दिया शहर तंग करती पब्लिक में, में बहुत ऊंची चीख मारी है <laughs> <laughs> मीम्स तंग करती हैं नहीं मैंने इतना वादा नहीं क्या कभी बहुत बनती हैं और लगाते हैं लोग टैग्स करते हैं मेरे मतलब मैंने कभी सोचा नहीं था और बड़े मसले हैं सोचने के लिए तो मैं ये चीज़ें ज़्यादा नहीं सोचती मथीरा क्या ना मथीरा कहती है कि मीम से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि वो आर्टिस्टिक होती हैं फ़नी होती हैं तो अपेरेंटली मथीरा जो आपकी दोस्त भी हैं सारी ये टिक वर्ल्ड के अंदर आई नो यू वेरी क्लोज़ टू जन्नत मिर्जा अलिशा एंड देट काइंड ऑफ ग्रुपिंग भी हुई हुई है ना टिकटॉक कि ये ग्रुप हमारा है वो ग्रुप उनका है तो इनके ख्याल भी आपके वाले ही हैं पता नहीं यानी कि इन लोगों को भी ये भी तंग नहीं हैं है। इन सब की ग्रुपिंग हुई हुई है मैं अकेली हूँ मैंने खुद खुद को अलग किया हुआ सबसे क्योंकि है उसकी वजह ये है कि किसी में बैठ जाओ आप कुछ वहाँ पे बोलोगे हम्म करोगे ना किसी की बात सुन के आपके आगे जाके बहुत बतायागा उसके मतलब ये था तो इसलिए मैं जाती नहीं हूँ मैं बहुत कम मिलती हूँ कलेब्रेशन नहीं करती इसके साथ होती मैं कहती मेरे साथ वीडियो बना ले कभी दिल किया तो आ जा है है। हम दोनों वीडियोज़ बनाते हैं वो मैं इन लोगों में जाती नहीं हूँ सब अच्छे हैं मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं सब लेकिन मैं मसलों में नहीं पड़ती मैं बहुत पीछे रहती हूँ कि मेरी वजह से किसी को मसला ना हो मुझे लोगों से मसला नहीं होता मेरी मामा कहती है तुम्हारा बहुत बड़ा दिल है और तुम्हारे अंदर बहुत सब्र है तो मुझे कभी किसी से मसला नहीं होता मैं नहीं चाहती कि कोई कहे कि शहर की वजह से हमें मसला हुआ मैं इसलिए दूर रहती हूँ लोगों से और ये चीज़ नोटिस किया आपने कि ये अननेसेसरी फाइट्स भी बहुत ज्यादा होती हैं आपस में ये सोशल मीडिया में लोगों की बहुत ज़्यादा होती है अभी मैं नहीं मिलती किसी से तो मुझे कॉल आ रही होती है उसने बताया तुमने ये कहा उसने बताया तुमने ये कहा मैं सबको बोलती हूँ मैं किसी से मिलती नहीं हूँ मैं क्यों कहूँगी मैं कभी भी नहीं कहती मैं किसी मैं मुझे सच भी पता हो ना कि कौन क्या कर रहा है मैं कभी भी जाके नहीं किसी में लड़ाइयाँ करवाती या ये वो मैं बात ही नहीं करती मैं कहती हूँ मैं गलत हूँ ठीक है मेरे अंदर एक बड़ी ये चीज़ है कि मेरी मामा ने बताई थी मुझे बचपन में छोटी थी मैं तो मैं बता रही थी मामा को शिकायत लगा रही में थी बचपन में छोटी थी मतलब How odd. तुम्हारे साथ भी ये बीमारी थी नहीं मेरे साथ थी बस अच्छा अच्छा बचपन में छोटा कौन होता है यार खैर सॉरी मैंने बात से बात की है शामिल भाई तो किसी बड़े की मैं शिकायत लगा रही थी मम्मा को तो मेरी मामा ने मुझे वहाँ पे कहा था कि बड़े को कभी झूठा नहीं करते अगर उन्होंने कोई बात भी की है ना तुम बड़ों में बैठ के उनको झूठा ना करो तो अब ऐसा टाइम आ गया मैं देख लूँ ना कोई तो मेरा दोस्त भी मुझे एक महीना भी बड़ा हो ना तो मेरे जहन में होता है बड़ा है इसको झूठा नहीं करना तो मैं चुप हो जाती हूँ हाँ ये ठीक कह है रहा है ये जो तो लगता है। ये मेंटालिटी अच्छी है सही है कि बड़ों को गलत नहीं कहना चाहिए नहीं नहीं <laughs> 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 नहीं नहीं, नहीं। ये थोड़ी कि मतलब कि कुछ भी मतलब कत्ल वह हो रही और आप कौन नहीं बड़े को नहीं कहना नहीं जाहिर सी बात है टाइम चेंज होता रहता है आ, चीज़ें शायद वही रहती हैं लेकिन आ, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस और चीज़ें विद टाइम चेंज होती रहती हैं जो हमारे पेरेंट्स वगैरह ने नई एक्सपीरियंस की हुई थी वो अब एक्सपीरियंस करते हैं तो बेशक वो गलत नहीं है या वो गलत हैं भी तो हम Hmm. तो हम उनको गलत नहीं कह सकते कह, पता नहीं मैं पता नहीं क्या कह कहती हूँ नहीं हूं। नहीं मेरा कहते हैं मेरी मामा कहती थी अगर मेरा पॉइंट तुम्हें तो ना समझ आए तुम बोलो कि फूपो जैसे मेरी फूपो ने मुझे एक बात की थी फूपो आपने जो मुझे बात की है मैं वो समझी नहीं थी मैं ये नहीं कह सकती नहीं कि आप गलत थी ये तुम्हें पता है कह रहा है क्योंकि मैं डायरेक्टली बोल बोलती थी आपने गलत कहा आप झूठ बोल रही है हाँ ये पप्पा कहते थे इस बात पर पप्पा कहते थे कि मुझे ये ना कहो कि आप समझे नहीं ये कहो कि मैं आपको समझा नहीं सक रहा पापा ये बात लिटरली पापा की एक अम्मी ने बताई थी कि अम्मी से हम कहते थे ना अम्मी आपको समझ नहीं आ रही तो अम्मी कहती मुझे पापा ये कहते थे कि ये ना कहो कि आपको समझ नहीं आ रही ये कहो कि मैं आपको समझा नहीं सक रहा बड़े से बात करने का ये तरीका होता है Which is actually very true, कि हाँ, मैं आपको about तरस, about हाँ, कि मैं नहीं समझा सक रहा मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहा तो मुझे लगता है कि हाँ बड़े गलत होते हैं जो कि बिल्कुल सीधी बात है होते हैं क्योंकि वो अपने टाइम अपने मैंटेलिटी अपनी एक उसके अकॉर्डिंग चल रहे होते हैं वो बहुत जगहों पर गलत होते हैं जहाँ आप उनको बता सकते हो वहाँ आपको बताना चाहिए जहाँ पे आप नहीं बता सकते वहाँ चुप रहो ठीक है बहस बहुस करने की या अपना पॉइंट प्रूव करने की ज़रूरत नहीं बस ये कि आपको पता है कि वो गलत है बट वो तो एज़ लॉन्ग एज आपको हार्म नहीं करे तो बस ठीक है फिर वो अपनी दुनिया में खुश रहें जो आप बात कर रही हो कि बड़े को गलत नहीं करना मैंने ये बात पता नहीं मैंने ये बात पढ़ी थी या देखी थी या क्या सुनी थी कि आ, आप किसी का पर्दा रखो अल्लाह अला आपका पर्दा रखेगा तो अब जो लोग कभी कुछ होता है ना कि सुंदस ने ये कर दिया सुंदस ने वो कर दिया हौ सुंदस ये कर रही थी हौ सुंदस वो कर रही थी और उनके बच्चों की स्टोरियाँ मुझे पता होती हैं और उनके मुझे लाइक हर चीज़ का पता होता है लेकिन बस ये होता है कि ठीक है आप चुप रहो ना मतलब आप बेशक अभी आप आप गलत बन रहे हो इस पॉइंट पे आपको सारे गलत कह रहे हैं लेकिन आप उसी के बच्चे की इज्जत रख रहे हो उसी के बच्चे का एक पॉइंट आप एक पर्दा रख रहे हो ना कि मुझे पता कि, मैं तो उसको मुंह पे कह सकती हूँ बड़े को कि मुझे पता आपका बच्चा क्या कर रहा है या आपकी बच्ची क्या कर रही है ये वो ये वो लेकिन आप चुप रहो आप किसी का पर्दा रखो अल्लामी आपका पर्दा रखेगा ये वाली चीज़ ये मेरे माइंड में है जो आप कह रही हो ना कि मुझे अम्मी ने कहा है तो आप चुप कर जाती हूँ ये बात सोच के कि बड़ा है चुप कर जाओ मुझे ये होता है कि तुम अभी अपना पॉइंट ना प्रूव करो तुम पर्दा रखो क्योंकि इस बात से बातें निकलेंगी और पर्दा उठेगा उसके सीक्रेट्स निकलेंगे जो जो आंटी मेरे ऊपर अभी पॉइंट आउट कर रही हैं कि हाँ ये लड़के लड़के के साथ उठती बैठती है या ये, ये करती है मुझे पता है तुम्हारी बेटी रात को कहाँ थी ये, ये, लेकिन मैं बताऊंगी लेकिन मैं नहीं बताऊंगी क्योंकि तुम पर्दा रखो <laughs> तो हाँ ये चीज़ें बचपन की बातें ये चीज़ें आप लोग की दिमाग में कुछ ना कुछ बात रह जाती <laughs> मैं नहीं पागल <laughs> नहीं नहीं वो लड़की कहाँ थी रात को <laughs> बाद में शायद हमें पता है हम किस लड़की की बात क्या है <laughs> मेरे साथ एक बात है तो मैं जाती कुछ भी कहती चुप रहती हूँ कोई भी कुछ कहे अभी रिसेंटली मेरी बहुत क्लोज फ्रेंड के साथ मेरी दोस्ती खत्म हुई है ये भी बढ़िया उसको जानता है उसको भी बहुत क्लोजली जानता है तो मैं उसमें भी चुप हो गई मतलब मेरा ये था कि मैं चुप हो जाती हूँ कोई बात नहीं अगर वो कुछ कर रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं भी करूँ क्योंकि हम में कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा मैं उसके साथ मैं उससे प्यार करती हूँ मैं उसके साथ लॉयल थी हूँ और हमेशा रहूँगा हाँ बस उसको मौका नहीं दिया मैंने दूसरा माफ़ कर दिया दूसरा मौका नहीं दिया हाँ आप आ, आ, बोलते हो जहाँ बोलना भी होता है ज़ाहिर है मैं मुझे को देख के ये नहीं कहेगा कि वो ये तो कभी किसी के बारे में कुछ नहीं कहती या ये तो बिल्कुल नहीं बोलती बोलती हूँ मैं भी जहाँ भी मुझे बोलना होता है लेकिन जहाँ पे ये बड़े बड़े इश्यूज आ जाते हैं ना कि तुमने उसको ये तुमने उसको वो उसने मुझे ये बताया उसने उसके ये कहे कि इसमें नहीं पढ़ा जा, पढ़ा जाता मुझे लगता बहुत है बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती हैं चीज़ें कि तुमने उसको क्या कहा था अच्छा उसने मुझे ये बताया, बताया अब तुम उसको कॉल करके कहो कि मुझे अब ये 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 क्लियर करे अच्छा तुम तुम उसको बताओ वो उसको बताए अब वो उसको बता के मुझे क्लियर करे बात ये पूरा सरकार है आई थिंक किसी बंदे में मुझ में अब नहीं है ये कि मैं चीज़ें क्लियर करूँ अब बहुत आई थिंक एक पॉइंट पे चीज़ें क्लियर करने की कोशिश कर ली तो अब ये चीज़ एक्सेप्ट accept, एक्सेप्टेबल है कि हाँ हर बंदा आपको पसंद नहीं कर सकता या हर बंदा लाइक like, नॉर्मल uh, है कि आप आपकी ऊंची हंसी या आपका uh, अपने कज़न के साथ बैठ के ताली मारना हर किसी को पसंद नहीं आएगा तो ठीक है कोई मसले वाली बात नहीं मैं उसको क्यों कहूँ कि नहीं यार ये है ये ऐसे है ये वैसे है ये ये चीज़ है आप हर किसी को हर चीज़ क्लियर नहीं कर सकते क्योंकि अगर किसी के माइंड में कोई चीज़ फंस रही है ना किसी के भी ख़िलाफ के ये ऊंचा बोलती है या ये ऊंचा हंसती है या ये ये इस तरह करती है अगर उसको आप ये चीज़ क्लियर कर दो कि उसका क्योंकि दिमाग है प्र, प्रॉब्लमेटिक है उसके दिमाग में प्रॉब्लम्स आती हैं तो वो आपके अगर ये बात समझ जाएगा वो आपकी किसी और बात पर फंस जाएगा बहुत ज़रूरत फील होती है हमें डिस्क आ, ड्रामे की बहुत ज़्यादा यानी कि आई थिंक हम लोग सर्वाइव करते हैं ड्रामे पे जो ड्रामा होता है ना आपकी ज़िंदगी में मेरा जेन्यूनली आई थिंक के द रीज़न वाई मैन आर इंक्लाइंड मोर टू वर्ड्स पॉलिटिक्स एंड फीमेल्स आर इंक्लाइं मोर टू वर्ड्स हाउस होल्ड ड्रामा गॉसिप्स इज बिकॉज बोथ ऑफ द थिंग्स प्रोवाइड इन अफ ड्रामा पॉलिटिक्स इज़ ऑल अबाउट ड्रामा आज उसने उसके बारे में क्या कहा आज ये हुआ आज पॉलिटिक्स में ये हुआ असूल कहीं पर भी नहीं है कोई किसी किस्म का कोई असूल नहीं है इसी तरह जो लड़कियाँ होती हैं वो सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ में होती है कि उसने उसके बारे में क्या कहा उसने उसके वो पर्सनल लाइफ्स पर मर्द हजरात जो होते हैं यूजली वो थोड़ा सा कंट्री लेवल पे ये चीज़ें सुन रहे होते हैं और वो इन्जॉय कर रहे होते हैं बट दोनों केसेस के अंदर जो कॉमन है जो फैक्टर कॉमन फैक्टर है वो ये है कि दोनों जगह इंटेंट ड्रामा चल रहा है और आई थिंक ह्यूमन बींग्स इंसानों को ये चीज़ ये हमारी भूख है एक किस्म की ड्रामा और आई थिंक ये किसी ने पता नहीं करेक्ट से किया है लेकिन कुछ इस तरह की है कि जो छोटे दिमाग होते हैं ना वो आईडी वो इंसानों को डिस्कस करते हैं और जो बड़े दिमाग होते हैं ना वो आइडियाज़ को डिस्कस करते हैं हम सब का मसला ये है कि हम सबके दिमाग छोटे हैं इसलिए हमें अगर एक एक कंपैरिजन रखूँ मेरे पाकिस्तान के दोस्तों में और मेरे मेरे कनाडा के दोस्तों में जो पहली चीज़ मुझे नज़र आती है ना क्योंकि मैंने दोनों जगह अपनी आदियादी ज़िंदगी गुजारी है जो सबसे बड़ा डिफरेंस मुझे नज़र आता है ना हम लोग जब भी मिलते हैं ना कनाडा के अंदर मैं अपने दोस्तों के साथ जब भी मिलता हूँ हम लोग हमेशा बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ वो चीज़ें जो हमें लगती हैं कि हमारे फ्यूचर के लिए प्रॉफिटेबल होंगी हम वो चीज़ें डिस्कस करते हैं यहाँ पे जब भी मैं अपने दोस्तों के साथ मिलता हूँ ना तो हम लोग पॉलिटिक्स पुराने दोस्त उसने उसके बारे में क्या कहा हम लोग ये चीज़ें डिस्कस करते हैं हम लोग आज डिस्कस करते हैं हम लोग आज में ज़िंदा हैं मुझे लगता है कि सोसाइटीज़ के अंदर डिफ्रेंसेज आना शुरू हो जाता है जब आप हल्का सा ड्रामे से अपने आप को बाहर निकालते हो ना तो ज़िंदगी ऑन दी अदर साइड ऑफ दी होराइजन इज़ वेरी ब्यूटिफुल आपको रियलाइज़ होना शुरू होता है कि यार माशाल्लाह यानी कि आइडियाज़ डिस्कस करने में भी, भी बहुत मज़ा आता है एट द एंड ऑफ द डे दिमाग की भूख है उसको बिज़ी रखना है किसी ना किसी तरीके से तो हम लोग कोशिश करते हैं कि हम लोग ड्रामे में अपने आप को बिज़ी करें बट कोशिश करनी चाहिए कि हम लोग आपस में जब मिला करें तो फॉर एग्ज़ाम्पल आज की भी जो पूरी कॉन्वर्सेशन है वो अगर तुम नोटिस करो वो यही है कि हाशिर और इसका ये और उसका वो और सिंगल और ये और वो और हरासमेंट और हम लोग बेसिकली लोगों को डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि ये हम हम लोग अपनी आदत से ख़ुद ही मजबूर हैं हम लोग को पता है प्रॉब्लम क्या है लेकिन हम लोग अपनी ही आदत में बन... हम बट हम किसी एक को पॉइंट आउट नहीं ना कर रहे मतलब लाइक अगर मैं आपके पास आके बैठ के बोलूँ कि हाशिर ने ये किया था हाशिर ने वो किया था मैं दूसरी दफ़ा तभी आऊँगी जब आप पहली दफ़ा मेरी पूरी बात सुनेंगे जब पहली दफ़ा नहीं सुनेंगे मैं दूसरी दफ़ा आपके पास नहीं आऊँगी बात करने के लिए और इसी तरह मैं अपने सब दोस्तों को समझाती हूँ कि सुनना बंद कर दो लड़ाइयाँ ख़त्म हो जाएंगी और दूसरा अगर आपके पास आके किसी की कोई चुगली कर रहा है तो वो किसी और के पास जाके आपकी चुगली भी करेगा तो इसलिए इसको भी मैं कहती हूँ इतना मत सोचा करो अभी कुछ देर पहले इसने बोला नहीं नहीं मैं क्लियर करूँगा लोगों ने पता नहीं क्या बना देना है ये वो मैं इस चीज़ से बिल्कुल बिल्कुल आउट हूँ जिसका जो दिल करता है वो बनाए और बनाते हैं लोग इतना बनाते हैं कि अब जाके कहीं ना कहीं लोग थक गए हैं किसको फर्क hmm. नहीं पड़ता या आई मीन मैं वही मैं बात कह रहा था कि खैर हम लोग लो, लोगों को आइडियाज़ भी डिस्कस करने चाहिए हमारी सोसाइटी के अंदर कि फॉर एग्जांपल अगर तुम देखो कि दुनिया चांद पे पहुंच गई है अब मार्स पे जाने की प्लानिंग हो रही है विद इन द नेक्स्ट हंड्रेड इयर्स अगले सौ सालों के अंदर मार्स पे सिविलाइजेशन होगी क्या हमें पता है मार्स क्या है इट्स अ रेड प्लान यू नो वॉट मार्स इज़

इंसान सबसे ज्यादा खुद से ही प्यार करता है जो हाँ। मर्जी हो जाए वो कहे नहीं मैं खुद से ज्यादा तुमसे प्यार करता हूँ या कोई जैसे हाँ। बॉयफ्रेंड होते हैं आजकल के टॉक्सिक मैं खुद से ज्यादा <laughs> तुमसे प्यार करता हूँ मैं मर जाऊंगा तुम्हारे पीछे ऐसा कुछ नहीं होता सबसे बहुत हर्ट हो तुम सर मैंने आइडिया लगा लिया है तुम बहुत ज्यादा हर्ट हो कोई बात नहीं मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के मुताबिक तुम ढाई सालों में ठीक हो जाओगी दो साल हो गए आधा साल और रह गया छह महीने छह महीने में तुम नहीं ठीक हो गया फंडामेंटल इशूज है तेरी तेरे तू बना ही गलत है सॉरी कोई मेरे पे फतवा वतवा ना लगा दे मेरा वो मतलब नहीं था इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से मैं एक ऐसी बात कह रहा था

दो सौ साल गोरों ने हकूमत किया जब गोरे हम पे हुत करते थे ना तो उसके अंदर हम गोरे को एज अ लीडर मानते थे एज अ फादर फिगर देखते थे हम गोरे को देखते थे कि ये हमारा बॉस है हमारा मास्टर है हम गुलाम गौम थे गोरे यहाँ से चले गए सत्तर पचहत्तर साल पहले hmm. लेकिन वो गुलामी यहाँ से नहीं गई हम लोग hmm. अभी भी अपने माइंडसेट के गुलाम है इसको कलोनियल माइंडसेट बोलते हैं कि जिसको इंग्लिश आती है वो कंसिडर किया जाता है कि पढ़ा लिखा एजुकेटेड है और जिसको इंग्लिश नहीं आती उसको डम डफर एडियट समझा जाता है इसी तरह ये उर्दू और पंजाबी में भी है जो उर्दू स्पीकिंग लोग हैं वो पंजाबियों को लोग डाउन अपॉन करते हैं यानी पंजाब पंजाबी एज अ लैंग्वेज इट्स स्पोकन बाय वेरी फ्यू पीपल ऑफ़ द वर्किंग क्लास यानी अगर आपके घर में प्लम्बर आएगा तो वो पंजाबी स्पीकिंग है तो आप क्या कहते क्या है यानी कि ऑबियसली ऑफकोर्स hmm. इसको उर्दू क्यों आएगी यू नो और आई मीन ये भी कलोनियल माइंडसेट की ही एक एक एग्जांपल है आ, इसी तरह इंग्लिश और उर्दू में भी यही है लेकिन इंग्लिश और उर्दू में बहुत ज़्यादा है बहुत ज़्यादा अब हम पंजाबी हैं yeah. तो मामा नहीं बोलती हमारे साथ अपनी अपनी बहनों के साथ बोलती हैं तो मामा को शौक है हम बोलें मैं बोल लेती हूँ मेरी बहनों को नहीं आती पंजाबी मैं बोल लेती हूँ कभी पापा के साथ बहुत अब ये ना कहेगा बोल के दिखाऊँ मैं जाती नहीं है बोल बहुत बुरी बोलती हूँ मैं नहीं आई फील लाइक पंजाबी इज़ अ ब्यूटीफुल लैंग्वेज यार आगा। मैं इतनी खूबसूरत ज़बान है मैं इन uh, कैनेडा मेरी आयशा बड़ा मजाक उड़ाती है आयशा कहती है कि तुम सिखों वाली पंजाबी बोलते हो क्योंकि मैं सिखों वाली पंजाबी बोलता हूँ आप आज दसो की हाल है आजकल ठीक हो तु मुझे भी अच्छी लगती है आयसा इतनी खूबसूरत लैंग्वेज है एंड ऑल और सिख लोग जो है ना इतने इंस्पिरेशनल है ना वो इतने करीब है ना अपने कल्चर के वो कभी अपना कल्चर नहीं छोड़ते कभी भी वो सोच भी नहीं सकते अपना कल्चर छोड़ना वो इतने ज़्यादा उनकी आइडेंटिटी इतनी स्ट्रांग है हम लोग की उतनी स्ट्रांग नहीं है क्योंकि एक्चुअली सिख बने ही आइडेंटिटी पे थे कि वो वॉरियर्स थे इंडिया uh, के अंदर वो एज़ अ वॉरियर कॉम ऊपर आई थी तो उनकी आइडेंटिटी उनके बड़े करीब है तो सिख जो होते हैं ना वो पंजाबी में बात करते हैं वहाँ पे यार ब्रैमटन के अंदर जहाँ पे मैं रहता था वहाँ पे स्ट्रीट साइंस पंजाबी में है बहुत सारे स्ट्रीट साइंस दुकानों के नाम पंजाबी में लिखे हैं क्योंकि पे वो वो कहते हैं कि सिटी मैन वैसे आपस हमारी, हमारी 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 है। 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 आप की बात है पंजाबी में बेइज्जती महसूस होती है उर्दू में नहीं होती उर्दू में तुम किधे गए थे तो कितने गया ये तो फील होती है पंजाबी है <laughs> लेकिन अभी कभी बाहर जाके बोलो कम्युनिटी में बैठ जाओ सब घर में पंजाबी तू तोड़ा करके बात करते हैं लेकिन कोई बंदा बैठ के ग्रुप में बोलते पंजाबी तो ये पेंडू है ये ऐसे अब जैसे उस दिन आपने जब डिनर रखा था थैंक यू आपने बोला चाइनीज़ खा रहे थे आप लोग अपने अपने पैसे दिए थे ओके <laughs> तो तो <laughs> जैसे मैं सिर्फ देसी खाती हूँ मुझे हाँ। नहीं पता चाइनीज़ इटालियन वगैरह मैंने कभी नहीं खाया मैं फूड ही नहीं हूँ ना मुझे नई नई चीज़ें ट्राई करने का शौक़ है तो मेरे अपने कुछ दोस्त इसको तो ऑर्डर भी नहीं करना आता चलो ऑर्डर तो करो जरा मुझे तंग करते थे कि मेरी बहुत ही क्लोज़ फ्रेंड जिससे मेरी ख़त्म हुई है इसको तो इतना भी नहीं पता क्या चीज़ है ऑर्डर करो लेकिन उन सब में बिल देने वाली मैं होती थी मैं ऑर्डर नहीं थी कर सकती बट पे मैं ही करती थी सबका मतलब उनकी मैंटेलिटी ये थी कि इस बंदी को ये भी नहीं पता ये क्या खाना ये है। पेंडू है और अगर मैं ये पहन के ये ड्रेसिंग करके बैठी हुई यहाँ पर और यहाँ पे कुछ लोगों की मैंटैलिटी हो ये क्या पहन के बैठ गई है कोई अच्छा नहीं सूट पहन के आ सकती थी शॉर्ट नहीं इस पहन के बैठ गई है लोगों की बहुत गलत मैंटैलिटी है मैं तो तंग आई हुई दुनिया से बहुत ज़्यादा लोगों में जा जा के आपको लग ही रहा होगा तो मैं इसलिए कहीं नहीं जाती घर में रहती हूँ कि कोई किसी को मौका ही ना मिला मैं जो कर रही हूँ मुझे करने दो भाई हम लोग एक और चीज़ हम लोग थर्टीन रीजन वाई देख रहे थे तो इसके अंदर ना अ वे वेरी ब्रीफ मोमेंट के लिए ना एक मुझे रियलाइजेशन हुई मैंने आयशा से कहा मैंने कहा यार गोरे जो होते हैं ना गोरों के कल्चर के अंदर ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है फॉर एग्ज़ाम्पल एक सीन आया उसके अंदर बेटा था वो घर से बाहर जा रहा था स्कूल जाने लगा था तो माँ ने कहा कि बेटा थोड़ा सा नाराज था माँ से माँ और बाप दोनों से तो माँ बाप ना कोई बात कर रहे थे आपस में कि यार मुझे लगता है कि हमारे बेटे को साइकोलॉजिकल हेल्प की जरूरत है इसको डॉक्टर की ज़रूरत है और हमें इसको देखिए सुबह सुबह की बात थी और वो बेटा स्कूल जाने के लिए सीढ़ियों से नीचे आ रहा था उसने ये सारा कुछ सुन लिया तो वो उन्होंने माँ बाप ने यूँ बेटे की तरफ देखा तो बेटा जो था वो थोड़ा सा जारी सी बात है अपसेट था कि ये मेरे बारे में बात करें मुझे पागल कह रहे हैं तो उस उन्होंने कहा कि ओ तुमने सब कुछ सुन लिया हमारा वो मतलब नहीं था लेकिन आ, आओ खाना खा लो तो उसने कहा कि मैं स्कूल के लिए लेट हो रहा हूँ माँ ने उसकी कहा कि मैंने तो तुम्हारा खाना अभी तक तैयार नहीं किया उसने कहा नहीं मैं स्कूल के लिए लेट हो रहा हूँ और वो कह के चला गया तो मैंने उस पॉज़ की मूवी मैंने आयशा से कहा मैंने कहा यार नोट करो गोरों में ज़ोर से ज़बरदस्ती नहीं है लाइक दे डोंट they don't force you to do anything they let you be मैं ये नहीं कह रहा कि ये सही या गलत है मैं ऐसे कह रहा हूँ कि एक डिफरेंस ऑफ अप्रोच है अगर यही चीज एक देसी से हाउस होल्ड में होती तो मैंने उसे कहना था मैंने उसे कहा कि मां-बाप ने उसको कहना था कि क्या मतलब किधर इधर आ बैठ इधर आके बैठ पागल है तू एक्टिंग कर रहा है पागल बनने की कोई किधर जाएगा किधर जाएगा किधर जाएगा तू वापस तो इधर ही खाना खा के जा

तुम बेड़ियों तुम्हें शर्म आनी चाहिए ये वो इनको मना करो लोग नहीं होने देते हम लोग हो जाएं ये जो देसी लोग हैं ये भी कहीं ना कहीं समझ जाते हैं जो आसपास वाले लोग हैं वो होने नहीं देते खुद उनके घर में बहुत होने नहीं, नहीं देते हो का क्या मतलब है शहर यानी कि आप ये कह रही हो कि आपके पेरेंट्स या आप खुद लोगों के प्रेशर में आके अपनी जिंदगी के डिसीजंस लेती हो मेरे पेरेंट्स आ जाते हैं तो उनको समझाओ कि ये ठीक नहीं है मेरी जो मामा है मामा वो बहुत फ्रेंडली है

मैं अनॉय इसलिए हुआ हूँ आपकी इस बात से क्योंकि ये बात मैंने पहली दफ़ा नहीं सुनी मेरे बहुत करीबी लेफ्ट साइड पे जो नीजी, लोग हैं नी, है, नी है हाँ <laughs> उनका भी यही प्रॉब्लम था तो मैंने उनको भी यही समझाया कि यार देखो आई अंडरस्टैंड और पता है ईजीट लड़के के लिए बात करना ना बहुत आसान है क्या समझाओ अपने माँ बाप को बहुत आसान काम है मेरे लिए ये कहना ठीक है क्योंकि मैं ये कर चुका हूँ तो और लड़कों की सुनी जाती है हमारी सोसाइटी के अंदर लड़कियों की नहीं सुनी जाती लड़कियों को सीरियस भी नहीं लिया जाता है लड़कियों का तो ये होता है कि चलो चलो जाके रोटी पकाओ <laughs> सही है लड़कियों का तो ये हिसाब है प्रॉपर के खाना बनाना सीखो आगे घर चलाना क्या कर रही हो क्या बातें कह रही हो काम करूंगी ये करूंगी वो करूंगी यहां पे तो ये प्रॉब्लम्स चल रही हैं अभी तो आई अंडरस्टैंड वॉट यू सेंग लेकिन इफ यू वन बी सक्सेसफुल इन लाइफ मेरे हिसाब से जो पर्सनल मेरा एक्सपीरियंस <laughs> है वो ये है कि आप आप लोगों के प्रेशर में नहीं आ सकते आप लोगों के प्रेशर में आके अपनी ज़िंदगी के डिसीजन ना लो वो करो एट दी एंड ऑफ द डे जो तुम्हें लगता है कि सही है और वो सही होना भी चाहिए यानी कि जो आपकी जो ड्रीम्स हैं वो आप तभी फुलफ़िल कर सकती हो जब आप ये सारे हर्डल्स से हर्डल्स पार कर लोगे और उनमें सबसे बड़ा हर्डल यही है कि ख़ुद भी प्रेशर में नहीं आना लोगों के कि लोग क्या कहेंगे इस प्रेशर में नहीं आना और अपने पेरेंट्स को भी कोशिश करनी है या तो वो भी प्रेशर में ना आए या अगर वो प्रेशर में आए तो वो प्रेशर आपके ऊपर ना आए क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव सेंसिटिव चीज़ है ये जो मीडिया एंड आर्ट्स है ना इसको लोग बहुत गलत समझते हैं जब तक आप कुछ बन नहीं जाते बिल्कुल यानी कि अगर आप नूर जहाँ हो तो आप कमाल हो आप इंस्पिरेशन हो पाकिस्तान की आर्मी के लिए इंस्पिरेशन हो कई लोग उसको क्रेडिट देते हैं कि इसने कई जंगें जिताई हैं हमें नूर जहाँ के गानों की वजह से कई जंगें हमने जीती हैं मोटिवेशन मिली क्या है वो मीडिया आर्ट्स ही है ना आर्ट्स है ना शी वॉज एन आर्टिस्ट अगर आप आ, और बहुत बो, बो, सारी सेलिब्रिटीज़ जो हैं फीमेल सेलेब्रिटीज़ जो हैं यानी कि क्या माँ बाप नहीं चाहेंगे कि हमारे बच्चे या हमारी बच्चियाँ भी इस तरह कौमी लेवल पे जाके इंसानों को इंस्पायर करें अपनी कंट्री के अंदर तो चाहेंगे लेकिन एक बीच में जो प्रॉब्लम है ना जो खाई है बीच में वो खाई है हार्ड वर्क वो खाई है कि आपने प्रेशर में नहीं आना किसी किस्म के तो ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए लोगों के प्रेशर में तो मैं कभी भी नहीं आई स्टार्टिंग में सोचती थी मैं आई मैं कभी भी नहीं लेकिन पेरेंट्स के कभी कभी आ जाती हूँ आ जाती हूँ मैं मैं समझ सकती हूँ किसी की से की नहीं पड़ता लेकिन मुझे मेरे पेरेंट्स से फर्क पड़ता है और उनको पूरी दुनिया से फर्क पड़ता है तो मुझे फर्क पड़ता है दुनिया से <laughs> में, से मुझे, नाराज रहते इसी टाइप की कुछ बात हो रही थी मैंने सुंदर से कहा सुंदर देखो और मैं सुंदर लेने <laughs> की कोशिश कर रहा हूं पार्टनर मेरी बात सुन तुम एक फाइटर हो तुमने नहीं गिव अप करना तुमने ये नहीं करना तुमने वो नहीं करना तुम पब्लिक प्रेशर में ना हो पेरेंट्स के प्रेशर में इस तरह ना हो तुम कुछ गलत नहीं कर रही तुम ठीक कर रही हो तुम कर सकती हो तुम अपने पेरेंट्स को समझाओ सुन दस मुझे कहती शावीर मैं इतनी कूल नहीं हूं कि मैं अपने पापा को जाके कहूं कि आप जो कह रहे हैं वो गलत है <laughs> मैं इतनी कूल नहीं, नहीं हूं, हूं। मैं यहां जितनी शेरनी बन के बैठी होती हूं कि ओ दुनिया ये ओ मैं ये और वो ये ये घर पे नहीं होती चीजें है कि बाबा मैं ये मैं वो ठीक है मतलब एक हद तक होती है लेकिन ये नहीं होता कि बाबा अब जो मीडिया है उसी का टाइम है और ये है ये ये चीज़ें घर पर नहीं होती हो अगर नहीं पसंद तो बस आप इस बारे में बात ना करो बेशक अगर आपने उसको गलत नहीं कहना या सही नहीं कहना आप उस बारे में बात ही ना करो घर पे <laughs> लेकिन मैं इतनी कूल नहीं हूँ कि मैं बाप से कहूँ कि बाबा आपके जो भाई आपकी जो बहन या अम्मी आपके जो भाई आपकी जो बहन कह रहे हैं सब गलत है सारी दुनिया ऐसी है इनको आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए जिस तरह ये मुझे समझा रहा होता है मैं अपने माँ बाप को नहीं समझा सकती कि दुनिया से फर्क नहीं पड़ना चाहिए अंदर से खुशी होनी चाहिए सोसाइटी क्या कहती है हमारे माँ बाप बहुत अच्छे हैं कसे से है ना मेरे पापा तो भी, आते भी शुरू में तो थे तीज़ 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 शुरू में लाइक उनको बहुत फर्क पड़ता था कि ये नहीं करना वो नहीं करना लेकिन जब आप मिले तो उसके बाद इजी हो गए तो वो काफी अब मैं लाइक मेरे बाबा को पता है कि मैं स्मोकिंग करता लिखा था नो स्मोकिंग बाकी रह आज दो चीजों का पता चला स्मोकिंग और एस टी अभी तो एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जी तक पता नहीं ठरकी नहीं हूँ ये ना कहू ये मुझे दुख भाई, हो जाए भाई किसी पेजाम लगा बैठ के यहाँ पे

दोस्त दोस्त तो आप लेकिन मैं लाइफ का अपना एक एक मोमेंट जो है ना मैंने एक एक चीज इनके साथ शेयर किया है मैं मैं हर हाँ, हाँ, तुम्हारे और शाह के रिलेशन को क्वेश्चन नहीं कर रही मैं इस बात को क्वेश्चन कर रही हूँ कि तुम्हें एक लड़की अच्छी लगती है ठीक है नेचुरल है मतलब चलते फिरते कोई प्यारा लग ही जाता है कोई ऐसी बात नहीं है आपको प्यारी लगती है आप उसको देखते हो और आप जाके उसको मैंशन करते हो अपने दोस्तों में या दोस्त में या किसी भी क्लोज इंसान के साथ और आप उसके लिए कहते हो कि बहुत हॉट है और ये बहुत प्यारी है। और फिर आप जाके उसको कहते हो कि तुम आज बहुत प्यारी लग रही हो और ये बात यहाँ ख़त्म नहीं होती है आपके लिए ये भी मसला अच्छा है कि आप, मेरा रिलेशनशिप इसके आप, सामने डिस्कस नहीं हो अब मेरी बात सुन। तो आप मुझे ये क्या है? मेरा ये है कि वो लड़की लिटली बाकी तो मैं शायबे एनर्जी हम जोक्स मुझे जोक्स नहीं आ रहे थे तो मैं एनर्जी पता जोक्स नहीं आए तो एनर्जी जिसमें बहुत ज्यादा पैदा हो जाती है तो निकालनी होती है तो वो मैं प्यारी जगह मैं मुंह से निकल गया हॉट क्योंकि वो हॉट में भी एनर्जी होती है ना यार भी ये करो, मैं भी आ अजीब एक वर्ड नहीं आ रहा था जोश में बोला था आपको मतलब हॉट थी अच्छी दिन ये नहीं था खैर आई होप के वो जो भी हॉट तुम्हारी बिजनेस पार्टनर है जिसके साथ भी जो भी है थी गई अब तुम कह रहे हो दोस्त मैं चाह रहा हूँ कि अब तू जल्दी से <laughs> सेटल डाउन करने की कोशिश कर शादी वादी कर अपने आप को थोड़ा सा होलिया अपना संभाल सै शादी है नहीं खैर आज इस मनोज से थैंक यू सहर फॉर कमिंग ऑन टू द पॉडकास्ट काफ़ी टाइम हो गया इस पॉडकास्ट ये काफ़ी लंबी पॉडकास्ट हो गई है थैंक यू सो मच आपने हमसे इतनी बातें की इतना आप खुली आप हमारे साथ आपने सब कुछ हमें बताया जो भी आपके दिल में था विच इज़ वेरी नाइस आई होप कि लोग इसको उसी तरह रिसीव करें जिस तरह आपने इसको समझाया लोगों को हाशिर थैंक यू सो मच कि आपने अपनी ठरक कंट्रोल में रखी है <laughs> और आ, हम आपसे बहुत अपोलोजाइज करना चाहते हैं कि आपने पूरी कोशिश की पॉडकास्ट से पहले पॉडकास्ट के दौरान और पॉडकास्ट के बाद भी ये डिस्कशन होगी कि आपने कितनी कोशिश की कि आपका कुछ हो सके

थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग द स्पॉट कैस अगर आप यहाँ तक आ ही गए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना 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 भूलिएगा वैसे अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो आईम श्योर sure कि आप सब्सक्राइबर ही होंगे मेक श्योर टू चेक देर सोशल इंस्टाग्राम की लिंक्स इनकी डिस्क्रिप्शन के अंदर होंगी वन सेकेंड थैंक यू सो मच आप अपना ख्याल रखेंगे 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 ना आप अपना ख्याल <laughs> 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 थक टिकी <laughs> <चार्था। laughs> करो <laughs> बंद करो वो ताली नहीं मारी तुमने <laughs>